किस टीम का मैच है? एक्चुअली इस समय हम लोग एससी ट्रस्टला क्लैन में हैं। सो इनके अगेंस्ट अगर अपोनेंट में देखूँ तो बाली डिस्ट्रॉयर करके कोई क्लैन है। आई डोंट नो भाई कहाँ का है, कह नहीं सकते। बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारे पास जितने भी क्वालिफायर हैं, बेसिकली हर एक क्वालिफायर, मतलब दो क्वालिफायर हैं, हर एक क्वालिफायर में दो दो दिन का इवेंट है। बट प्रॉब्लम ये है कि जितने भी क्लैन हैं वो चाहें तो रिक्वेस्ट हमारी रिजेक्ट कर सकते हैं। सो किसी रैंडम क्लैन में जा भी नहीं सकते, या आई मीन अगर कहीं कॉन्टैक्ट नहीं है तो मोस्ट लाइकली ही जाता क्लैन तो मैं रिजेक्ट ही कर देंगे, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो क्लैन मिला वही है। पहले तो मैं प्लान भी नहीं कर रहा था आई थिंक स्ट्रीम का, बट क्योंकि मुझे पता था ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, बट खैर ऑफर आया तो हियर वी गो, लेट्स सी। मैच कब से स्टार्ट होता है? वैसे 2:30 टाइमिंग थी, अब देखते हैं। जब भी ब्रैकेट वैसे अभी लॉन्च हुआ है सो मे भी थोड़ा बहुत टाइम लगे। टीमें तो खैर काफ़ी हैं जहाँ तक मैं देख रहा था। ब्रैकेट आई डोंट नो तुम लोग हो सर्वर पे या नहीं हो। अगर क्वेस्टो कप के सर्वर पे हो तो आई थिंक तुम लोग भी ब्रैकेट देख सकते हो कि वो अनाउंसमेंट चैनल पे है। बेसिक आइडिया बता देता हूँ। 30 मिनट की वॉर होगी हमारी। बेसिकली 30 मिनट में आई थिंक कुछ अटैक, दो अटैक आने, आई डोंट नो कितने मिनट के पहले, 10 मिनट होते हैं या 20 मिनट हैं, बट दो अटैक अर्ली आने एंड बाकी हिट कभी भी ले सकते हो। एक सेकंड को मैं कंफर्म करता हूँ। आई थिंक अनाउंसमेंट में कहीं ना कहीं तो देखा था मैंने कितने मिनट पहले एक हिट लेना है। मैच स्टार्ट होते ही भाई इतने मैसेज आने लगते हैं। हाँ, फर्स्ट 15 मिनट में हमको बेसिकली दो हिट लेने हैं, उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। सो बाकी के 3 अटैक कभी भी आ सकते हैं, रैंडम है। कोई टाइम लीड है नहीं, कोई 30 मिनट की वॉर है हमारे पास। 30 मिनट में वो क्या ही टाइम लीड करेंगे। फिफ्टीन मिनट के पहले दो अटैक करने हैं, यूप 15 मिनट के पहले देखते हैं हमारी वॉर कब स्टार्ट होती है। डे वन है तो वैसे भी आई थिंक डिले हो गई होगा भाई थोड़ा बहुत। अभी तो स्ट्रीमर चैनल भाई हर कोई पूछ रहा है मेरा करने स्ट्रीमर, मेरा करने स्ट्रीमर। ब्रैकेट लिंक दो, एक सेकंड को, अच्छा भेजता हूँ। रुको, देख सकते हो। बाकी अगर तुम क्वेश्चन के सर्वर पे ऐड हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हो। आई थिंक अनाउंसमेंट चैनल पे ही है ये वाला ब्रैकेट। मेरे को वैसे ट्राइब गेमिंग नहीं दिखी, आई डोंट नो मैंने मिस कर दिया था, कहाँ है ट्राइब गेमिंग नहीं दिखी मेरे को। एक बार देखते हैं, वैसे फिर से देखते हैं कौन कौन सी। आई थिंक नावी तो दिखी थी मेरे को, लेट्स सी। पटना पायरेट्स, एमएस स्पोर्ट्स 2 कौन सी टीम है भाई? वह तो मेरे को समझ में आता है, मार्कोस स्पोर्ट्स है हमारे पास, एंड उसके अलावा और अगर देखें न्यू नूब्स आई थिंक इंडियन क्लैन है, QSFN है। QSFN में बाय द वे से मैं खेलता कौन है? आई डोंट नो भाई। लूप जीरो, अब जीरो तो इधर आ गए। इंक्विजिशन है, वनहाइम अभी भी खेल रहा है, पता नहीं भाई क्या चलता है उनका। रेनगार्डोस है, चेस्मे गेमिंग, ये एक तो चेस्मे गेमिंग भाई मेरे को लाइनअप बिल्कुल नहीं आइडिया कौन कौन से प्लेयर कहाँ कहाँ पे हैं। GS के तो फिर भी कुछ कुछ प्लेयर पता है क्योंकि उसमें ज़्यादा जैपनीज प्लेयर हैं, बट बाकी क्लाइन का भाई पता नहीं, उनकी इतनी लाइनअप है इस समय। इंडियन क्लैश तो खेल रहा है, पता नहीं भाई इनका क्या चलता है।
एक तो टाइम जोन भी आई थिंक यू लोगों के लिए, आई डोंट नो भाई इसमें क्या टाइम होगा, बट आई थिंक उनके लिए ऑड है थोड़ा सा। 2:30 PM अपने हिसाब से तो ठीक है, बट उनके लिए आई थिंक काफ़ी, या तो लेट नाइट होगा या अर्ली होगा। नवी नहीं खेला गया यार, दिखा नहीं मेरे को। टॉयलेट वर्टन एग्जॉर्ट माइट खेला, एटलीस्ट वी एन टाउन बनाई कि न्यू लाइनअप। ना भी दिखे तो बताना यार, आई गेस वो नहीं है। TWOP जरूर है मेरे पास, बुल्गारिया यूनाइटेड के अगेंस्ट। नोप, ना भी नहीं दिखी भाई। आई डोंट नो, हो सकता है फर्स्ट क्वालिफाई में ना खेल लूँ। RVNT है, काफ़ी टीम है भाई, एक्स टीम है, ग्रेट वुल्व्स खैर अपना जाना माना खिलाए ना, बट देखते हैं बंदे कैसे परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड है हमारे उधर, खैर इंडियन बंदे ही हैं। Top 8 टीम्स लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। ओके, देन हम नोप थे। हम सबसे दूर रहे भाई, नाम ही कहाँ है, ट्राइव का है, मेरे को लगा भाई सारे पॉपुलर क्लब तो है ही नहीं। ओके, हाँ ठीक है, देखा था, अब याद आ गया, ट्विटर पे आई थिंक शेयर किया था उन्होंने। 8 टीम लास्ट वर्ल्ड कप की रहेंगे, सॉरी वर्ल्ड कप बोला, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, एंड 8 आई थिंक हमारी क्वालिफाइड होंगे। ध्यान ही नहीं रहा था, तभी मेरे को लगा भाई जितने पॉपुलर क्लाइंट थे मुझे क्लैश चैंप भी नहीं दिखा, जितने भी अच्छे अच्छे क्लाइंट तो दिखे नहीं। मे बी फ्री विन अपोनेंट्स हैव मैनी मेंबर्स, इनके अपोनेंट में आई डोंट नो यार, अभी ये तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा कि फ्री विन है कि नहीं है। हाँ, मैं ही UKG हूँ। अरे अभी मैं तुमको मैसेज कर रहा था इसी चीज़ के लिए। नो, ओके देन, किसी और क्लाइंट में ट्राई करेगा, चांसेस कम ही है भाई, प्रॉब्लम यही है, क्लाइंट नहीं जानते हो तो टफ ही है। या मे बी नेक्स्ट राउंड के लिए होल्ड करें तब तक। नेक्स्ट मैच थी 30, हाँ वो तो पता है, 1-1 आवर का मैच है ये तो, देखा था मैंने टाइमिंग, एंड आई थिंक राउंड 256 से स्टार्ट हुआ था ना आई थिंक आज का राउंड, एक सेकेंड। ओके हाँ, सो आज बेसिकली आई थिंक 3 राउंड हो जाएंगे हमारे। क्योंकि उन्होंने बोला था ब्रैकेट पूरे बंदे नहीं मिलते हैं तो 2 राउंड खेलेंगे, अदरवाइज 3 राउंड होंगे। रुको एक बंदे से पूछता हूँ, अगर वो स्ट्रीम करने दे चांसेस तो आओ देखते हैं। तब तक एक दो लेजेंड के हिट लेते हैं यार, क्या ही कर सकते हैं।
चलो 3:30 पे मिलते हैं। ये भाई मजे करो मजे करो। चलो भाई वॉल ब्रेक रियली ट्रिपल। आई डोंट नो, देखते हैं क्वीन बचती है तो मिलेगा। सेटर शॉट डाउन होता हुआ परफेक्ट। आई थिंक हो जाना चाहिए, अपने पास एक एडेंटर बचा था। टीचर भी भाई बहुत ख़राब होते हैं जैसे ई टाइटन के लिए। ये तो अच्छा है इस पर, फिर भी आई थिंक कॉर्नर पे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं था। अगर कोई गलती से भाई एकदम कॉर्नर पे सीसी रख देता है फिर तो अटैक ख़त्म ही हो जाता है। आपका सॉरी फ्लेम फिंगर ड्रॉप ही नहीं कर पाते, कोई वैल्यू नहीं होती उस एरिया में। अभी तो क्या वैसे भी लोअर लीग में हो तो आई डोंट थिंक तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। कितना 5300 की रेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक बार स्टार भी आया, आई डोंट नो भाई आज का था कल का था। अब वैसे मैं ज़्यादातर हिट कंप्लीट भी नहीं हो पाते हैं, सो कुछ कह नहीं सकते। हाँ बंदे ने जवाब ही नहीं दिया, पता नहीं भाई व्हाट्सएप ऑफ कर रखा है क्या है। चलो देखते हैं 3:30 से ही देखते हैं नेक्स्ट मैच हमारे पास राउंड ऑफ 128 वाला। एंड एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आती कि मेरी क्वालिटी हमेशा 720p पे ही क्यों लॉक होती है भाई। आई हैव नो आइडिया। लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था तब भी भाई इसी पे थी।
चलो तब तक दूसरी आइटम देखते हैं, या मैं कुछ अपने क्राइम गेम्स बचे होंगे या नहीं बचे होंगे, आई डोंट नो। या चलो तब तक वो कर लेंगे। क्या बोलते हैं, अरे इसको क्या बोलते हैं भाई, नाम ही भूल गया। हाँ, क्लैन कैपिटल, क्लैन कैपिटल की कुछ रेड कर लेंगे। क्लैन गेम्स खत्म हो गया। आई थिंक तीन आईडी में तो मैंने कंप्लीट किया था। अब नहीं दिखाया गया टोटल स्कोर जो भी है। कुछ आईडी में मिस हो गया, आई मीन बोनस नहीं मिलेगा, मैं पूरा तो नहीं मिस हुआ। क्लैन में तो कंप्लीट हो ही चुका है, सबसे रिवॉर्ड तो लगभग पूरा ही मिलेगा। सुमित SS, हेलो ब्रो, हेलो। ओके लेट्स सी कौन से बेसिस बचे हैं मेरे पास। अरे यार ये भाई 97 पे कौन छोड़ता है, गलत बात है ये। 460 रियली मैं नहीं कर रहा। कौन था भाई ये, चलो छोड़ो करते हैं, नेक्स्ट हिट तभी ले पाऊंगा मैं। ओवरकिल भाई ओवरकिल। बाद में देखते हैं फिर हमारे पास इसके लिए अभी स्पेल पे कितना इफेक्ट आया है। भाई ये कैसा पेस है, दैट्स नॉट लुकिंग गुड। चार मेजर डिफेंसेस है ना, हो जाना चाहिए आई थिंक नेक्स्ट हिट में। दो इसके लिए तो अपने पास सही एरिया में है, दो और ड्रॉप कर देंगे हो जाएगा। आई डोंट नो कितना नर्फ है भाई, एक बार तो ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी मैंने अभी तक कोई भी फ्रेंडली चैलेंज किया नहीं तो मैं कह भी नहीं सकता कितना इफेक्ट आया है। एंड मुझे अपने कैपिटल गोल्ड भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये 1400 काउंट तो मिल ही जाते हैं आई थिंक हर एक मैच में। बाकी
बाय द वे, अगर किसी को किसी क्लैन में कोई कांटेक्ट हो तो बताना मेरे को भी। लव दैट स्ट्रेटजी। ओपी है भाई, ओपी है एकदम। ब्रोकन आर्मी, अब छोड़ो, और कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगी। सेम ही आर्मी करते हैं, चेंज करने की जरूरत है नहीं आई थिंक। अरे यार, मेरा वो नहीं जा रहा भाई, कोर में सब कॉर्नर में भाग रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ। कमॉन लेट्स गो, हो गया। यप, इजी पीसी भाई, बहुत ही गंदा इस स्पैम है। मेन बेस में नहीं, जैसे लोग हाइड्रा ड्रैगन आर्मी से चिढ़ते हैं, वैसे ही सर बेस में भाई ये वाली आर्मी काम करती। कुछ नहीं करना होता भाई, स्लोली स्लोली एक दो चीज़ें बस ड्रॉप करते रहो, ईजी निकल जाता है। ड्रैगन क्लिफ के अलावा ज़्यादातर बेसिस पे काम करता है, एंड ये तो ऑलरेडी आई थिंक मैक्स आउट है भी नहीं, क्योंकि अगर मैक्स आउट होते हैं तो हमारे पास आई थिंक कैप्टर गोल्ड 10,000 के अराउंड होता है, अभी तो 8 का ही है, सो ज़्यादा मैक्स आउट है भी नहीं, तो इसमें आराम से 2-8 में निकल भी जाता है। ओके, सो बॉटम साइड से ही चलते हैं, थोड़ा सेट करनी पड़ेगी वैल्यू। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। लेट्स सी, एक ड्रॉप कर देते हैं, वो भी अपना ट्रेस क्लियर करता रहे उस एरिया में। देन वन टू, इसको ट्राई करते हैं, अगर मिले तो चांसेस कम है वैसे, क्योंकि उधर कुछ टैंक नहीं मिलेगा मेरे को। ओके, ये बिल्डिंग मिल गई, अच्छी है, हो जाएगा तो आराम से होगा। बचा ही नहीं भाई सेकंड हिट के लिए, ये वेल कितना, एक स्प्लैश डैमेज बचा मेन, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। एंड ये हमारा एक बार भी जो भाई कब का ड्रॉप किया था हमने ट्रेस बिल्डिंग क्लियर करने के लिए, अभी भी लगा है, फाइनली डाउन होता हुआ, तब भी एक बिल्डिंग और मिली। सही है, सही है। ऑन एवरेज वैसे आई मीन अगर सही से अटैक करो तो 29 के अराउंड मिल जाते हैं ज़्यादातर। मेरा तो खैर एक हिट तो इसमें वेस्ट हुआ था, क्लीन अप गया था, सो मे बी 25-20 के अराउंड हो जाएगा। लेट्स गो। ओके, एंड इजी पीसी ट्रिपल। मुजाकिर, हेलो ब्रो, हेलो। कितने पॉइंट हुए, 17, 30 पे खत्म हो जाएगा मेरा आई थिंक। 30 बोला, सॉरी 20 पे, क्योंकि फर्स्ट हिट में वैसे भी ज़्यादा गोल्ड मिलता नहीं है इस पे, तो भाई मेरे को नहीं ट्राई करना भी, इस पे तो और कम मिलेगा, कोई और बेस ट्राई करते हैं, इस पे ट्राई करते हैं, मेजर डिफेंसेस को टारगेट करते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत पॉइंट कलेक्ट हो जाए हमारे। लेट्स गो।
ज़्यादा फंड नहीं मिलेंगे, आई डोंट नो, 3-4 अराउंड होंगे आई थिंक, 40%। हाँ इतना बुरा भी नहीं है, 3000 एक्सपेक्टेड ही था। यही होता है भाई नुकसान जब एक क्लीन अप हिट जाए, अदरवाइज अगर ये हिट और हो जाता है 25 करोड़ हो जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। ओ भाई पता नहीं क्या क्या अपग्रेड चल रहा है। ड्रैगन क्लिफ मेरे को भाई इसमें ड्रैगन पोस्ट अपग्रेड करने, भाई बंदे अपग्रेड ही नहीं करते, सब लेवल 1-1 करके छोड़ दिए थे। ये हो गया लेवल 3, इसको करते हैं नेक्स्ट। आई थिंक लेवल 1 एंड 2 पे आई थिंक दो जैप में डाउन हो जाता है, लेवल 3 में आई थिंक 3 जैप लेते हैं। एक सेकंड रुको, रिवॉर्ड कहीं यूज़ कर लूँ मैं, नहीं तो फिर ध्यान भी नहीं रहेगा मेरे को। गोल्ड और डार्क लेक्स है, बुक ऑफ हीरो है नहीं मेरे पास, चलो एक गोल्ड रखते हैं, गोल्ड ही लेते हैं। परफेक्ट, कितना बचा? ठीक है फुल नहीं होगा। कितना टाइम हुआ है? हाफ आवर अभी और है, चलो कुछ और आइडिया से ले ट्राई करते हैं, देखते हैं उनके वैसे ब्रैकेट में आता भी कौन है। एक सेकेंड रुको मैं ब्रैकेट अपडेट करने का ट्राई करता हूँ, अगर दिखा दे, वैसे तो अभी नहीं होगा, 3:30 तो हुआ नहीं, सो चांसेस कम ही है कि ब्रैकेट इतनी जल्दी अपग्रेड होगा, अपडेट होगा सॉरी। तो नहीं कुछ कुछ होगा आई थिंक, 30 मिनट की वॉर थी तो आई गेस जिन्होंने स्टार्टिंग में चालू कर दी उनकी कंप्लीट हो गई है। देखते हैं अपनी अपोनेंट कौन आया है, कहाँ गई भाई अपनी टीम, ड्रैगन सोल टीम है, सो देखते हैं भाई ये टीम कैसे परफॉर्म करती है। अगर किसी को ब्रैकेट देखना हो तो थोड़ी देर पहले मैंने अच्छा रुको उसको बुक वो कर देता हूँ, पिन कर देता हूँ, अगर किसी को वापस से देखना हो, अरे वो ब्रैकेट है पिन, अगर किसी को देखना हो कौन कौन सी टीमें हैं, कौन कौन से मैचेस हैं हमारे पास, तो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट मैच हमारा 3:30 से होगा, फर्स्ट मैच हम जिस टीम के साथ गए थे उनको बाई मिल गया, या जो भी बोला उनके आई थिंक अपोनेंट रेडी नहीं था, या उनकी क्लाइंट में आई थिंक उसने बंदे ने बोला था कि काफ़ी सारे लोग हैं, सो आए होता है भाई राउंड 1 में हर कोई साइन अप करता है, कुछ लोग रेडी नहीं होते, कभी कभी तो कैजुअल लोग जो खेलते हैं भाई वो तो बोलते हैं कि हम नॉर्मल वॉर खेल रहे थे, फ्रेंडली वॉर कैसे स्टार्ट करें, तो वैसे भी क्लाइंट मिलते हैं क्या ही कर सकते हो। तो फर्स्ट डे में भाई राउंड 1 में फर्स्ट वॉर तो ऐसे निकल जाती है, बहुत सारे क्लाइंट की बाई मिल जाता है बहुत लोगों को। हो गया खत्म, बाकी स्वैग कर लेते हैं, थोड़े पॉइंट ही मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। सुपरसेल ने मतलब अटेम्प्ट कैप्टन गोल्ड में भाई इतना किया लेकिन चला नहीं, मतलब आई मीन ठीक है, अब हम लोग ज़्यादातर खेलते इस वजह से, मुझे अगर मेन विलेज वगैरह इसका कुछ बेनिफिट ना हो तो बहुत कम ही चांस है कि भाई मैं इसको ओपन करूँ। अब जैसे बिल्डर बेस में यही है, बिल्डर बेस एकदम सेपरेट है तो वो भाई केवल क्लाइंट गेम के टाइम ओपन होता है, अभी रीवर्क हो रहा है उनका, लेट्स सी क्या करते हैं बिल्डर बेस में, लेट्स होप भाई कुछ थोड़ा सा एक्साइटिंग हो, अदरवाइज अभी तो एकदम बोरिंग था भाई। मैं एक बार अपना छठा बिल्डर लेने के बाद तो उसको केवल क्लाइंट गेम के टाइम ही ओपन करता हूँ, बाकी टाइम कभी नहीं ऑन होता भाई। सेम इसका भी यही है,
इसमें अगर मुझे रिवॉर्ड नहीं मिले तो बहुत कम चांस है कि कभी ओपन हो, बट ठीक है एटलीस्ट अभी यहाँ कुछ फ़ायदा है चलाने का। वैसे तो इन्होंने अभी ट्रॉफी वॉफी इम्प्लीमेंट की थी, बट आई मीन रैंकिंग के अलावा बाकी तो मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि मैच मेकिंग अभी मैंने देखा है भाई, मैं आई थिंक इसमें चैम्प क्लैन में हूँ या पता नहीं कहाँ पे हूँ, एंड मैच मेकिंग भाई अभी मेरे को गोल्ड कहीं के भी क्लैन मिलते हैं, तो उनका कैपिटल हॉल 10 होना चाहिए, उसके अलावा आई थिंक ज़्यादा मैटर करता नहीं कि उनकी रैंकिंग क्या है। सो मैच मेकिंग में अभी भी रैंकिंग का कोई फ़र्क नहीं है आई थिंक। ओके थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बेस है एंड इसके लिए नर्फ आई डोंट नो कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर ठीक है और कर भी कह सकते हैं। ओके लेट्स गो। ओके एंट्री तो इतनी अच्छी नहीं गई, बट ये जरूर आई थिंक बैक एंड पे इतना ज़्यादा डिफेंस है नहीं, प्रॉब्लम होगी। इनको ऐसे क्या बोलते हैं जो बड़ी सी कैनन दिखती है भाई, मेरे को तो नाम ही नहीं पता है इसमें, इसमें तो डिफेंसेस के नाम में यूज नहीं था। आई डोंट नो भाई ये क्लाइंट टैग है बेस टैग है, बेस विजिट नहीं कर रहा आई मीन अगर उसके लिए तुमने सेंड किया है। ओके जाइंट कैनन बोलते हैं। मेरे को भाई इसमें डिफेंसेस के नाम ही नहीं था, ब्लास्ट ब्लो जो भी है क्या ही करना। मे बी सेकेंड एंड बैक एंड में उसके लिए ठीक है परफेक्ट लेस गो। हो गया आई थिंक, बाकी दो हॉक की जरूरत पड़ेगी नहीं। यप इजी पीसी। पॉइंट हो गए मेरे 15 एंड इसमें कितने मिल जाएंगे 8। ठीक है ट्राई करते हैं, चलो एक बार दिखा देता हूँ, किसी को ड्रैगन क्लिफ पर ज़्यादा आइडिया ना हो कि कैसे क्लियर करते हैं। ये ज़रूर है भाई मैं दो हिट में तो नहीं करूँगा, सो अगर तो वो वेट करो तो वो नहीं हो पाएगा, बट ये ज़रूर है तीन हिट में, या हो सकता है ना भी हो गए, सब भाई ने एकदम बैक एंड पे लगा रखे हैं। ओके आई मीन यूजली तो मेरा प्लान ही रहता है कि ज़्यादातर बैरक में जैप कर लेता हूँ एंड फिर कॉर्नर में ले जाके कहीं कर लेता हूँ, बट आई थिंक बंदे के हर एक लेवल 3 के हैं। एक सेकंड रुको देखता हूँ, लेवल 3 डाउन के दो जैप से होता है, तीन जैप से मेरे को भी याद है इसने इस समय। यार इतना भी नहीं बैक करना दो भाई, ड्रैगन क्लिफ चैलेंज ठीक है, अटैक सैप देखते हैं कितने लगते हैं इस पे। अरे यार मैंने लेवल तो देखा नहीं भाई। ओके 3 लगते हैं भाई कंफर्म है। नहीं हो पाएगा फिर, नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक एंड पे भाई, तीन तीन आई डोंट नो भाई इसमें जैप की रेंज क्या होती है, या सेम रेंज है या ये भी नहीं पता मेरे को।
छोड़ो, किसी और को करने देते हैं, अपना टेक्निक यूज करते भाई। वैसे भी मेरे को ज़्यादा रिवॉर्ड मिल नहीं रहे, 15 ही पॉइंट है, ज़्यादा है भी नहीं। इसी को ट्राई करते हैं, 2 हिट में ही उड़ जाएगा। अच्छा एक करते हैं यार। अरे यार ओ नो, अबे भाई जैप है मेरे पास। अरे यार फ्रेंडली चैलेंज के लिए एडिट की थी भाई मैंने वो। रिप, ये तो गया भाई मेरा अटैक। ओके चलो नेक्स्ट अटैक के सेटअप के लिए ट्राई करते हैं। कर सकते हैं 1 2 3। और कोई एडी है? 2 एक साथ जहाँ पे मिले, कुछ भी नहीं है। हद है यार, रिफंड में थ्रो कर दिया। नहीं होगा नहीं होगा भाई, 3 हिट जाएंगे जाएंगे, वेस्ट हो गया फालतू में। एडिट आर्मी बाय। नहीं होगा यार, कोई चांस नहीं भाई, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है अपने को इस स्पेल का कोई फायदा ही नहीं था भाई। सेकंड हिट में रेज एज भी होता तो भी सही है भाई, कम से कम रेज का सेकंड अटैक में भी फायदा तो मिलता, जैप का तो कोई फायदा नहीं होता यार। अननेसेसरी एक वेस्ट हुआ। अरे इसमें क्या हाल है भाई? रेट का 3690, आई मीन फुल हो सकता है, 10 मिनट तो मिल ही जाते हैं आराम से। सो क्या ले लें इसमें? बिल्डर बेस
सॉरी छठा बिल्डर है नहीं मेरे पास है, छोड़ो फिर बिल्डर वैसे कोई जरूरत नहीं। कुछ ले लेते हैं गोल्ड एलिक्सरी। चलो गोल्ड लेते हैं, देखते हैं कुछ अपग्रेड करने लायक है मेरे पास। यप कोल्ड स्टोरेज परफेक्ट। एंड जाइंट बॉम्ब नहीं करना मेरे को भाई, स्पेल फैक्ट्री बची मेरी। ओ सॉरी ये तो डार्क है, क्या मिलना है? अहे बेकार है भाई, बहुत सिचुएशन बेस्ड है। उसको क्या चाहिए भी होगा तो मैं सीसी में ले लूँगा। आर्मी कैंप कर सकते हैं बट मेरे पास एलिक्सर नहीं इतना। चलो छोड़ो बाद में देखते हैं, फार्मिंग करके कोई ना कोई ले लूँगा। एक तो इतनी सारी आइडियाज़ हों तो भाई हर टाइम फार्मिंग नहीं होती। मेन आइडिया में चलते हैं देखते हैं। अभी हमारे पास 30 मिनट अप्रॉक्सीमेट और है। आइडी में लेजेंडरी भी नहीं ले सकते, दूसरे क्लैन में सीसी रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। ओह टफ, देखते हैं सेकंड आईडी में मेरे पास वो सीसी। ओके सो सीसी था ना, हाँ ठीक है। मेरे पास लॉक लॉन्चर नहीं है, चलो फ्लेम फिंगर वाले को हिट लूँगा भाई। लॉक लॉन्चर से बहुत कम यूज़ होता है, लॉग एंड ब्लिम्प रखता हूँ इन केस कभी यूज़ पड़ जाए, बट ज़्यादातर ट्राई करता हूँ कि फ्लेम फिंगर से ही कोई ठीक ठाक वैल्यू निकल जाए। ओके देन, सो कहाँ से एंट्री ली जा सकती है? यार दो दो सिंगल भाई, अदरवाइज एक मल्टी को मैं डाउन करके निकाल लेता थोड़ा बहुत। चलो ट्राई करते हैं। अबे स्केटर शॉट मिस हो गया। अरे नो 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 नो, गई वार्डन एबिलिटी गई, बहुत लेट था भाई। इवन मेरा वार्डन मर भी जाएगा मेरे को लग रहा है भाई। रुको तुम, गया वार्डन गया जीजी। एंड वन स्टार इनकमिंग, एक्सीलेंट। रफ
किशोर मंडल, हेलो ब्रो, हेलो, वेलकम यार। चलते हैं हम भी अपने क्लैन में। ओ भाई गिडो, हम जिस क्लैन में थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, जो फ्रेंड का क्लैन है, जहाँ पे मैंने पूछा था कि स्ट्रीम कर सकते हैं नहीं। भाई तो बंदे बहुत गंदा आ रहे भाई, उनके टीम के बंदे आई थिंक कितना, हाँ अब डिफेंस में आए 14 स्टार, मतलब उनके उनका केवल एक बेस होल्ड किया। एंड ऑफेंस में उन्होंने भाई 9 स्टार किए। तो भाई बोल रहा था कि स्ट्रीम नहीं कर सकते भाई, हम ऑलरेडी बाहर हैं। चलो चलते हैं अपने एच सी टेस्ट वाले क्लैन में। लेट्स गो। सो इस आईडी में बोनस है मेरे पास, एंड बोनस में ले भी कह सकता हूँ भाई, कुछ ऐसा मैजिक आइटम है ही नहीं कहीं एक में जो कुछ फायदा भी हो बोनस का। क्या ले सकते हैं, या तो 100 जेम्स या फिर एक ये बेकार है भाई पूरा। चलो पहले गोल्ड का यूज करते हैं। 9 का कुछ कर सकते हैं क्या, बट फिर बिल्डर नहीं बचेगा। चलो छोड़ो, एक वेस्ट कर देते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है। 22 हो गया, 5 में बिल्डर फ्री होना है, सो अभी तो नहीं लगाऊंगा, अदरवाइज मेरी कोई वॉल नहीं अपग्रेड होगी तब तक। एलेक्सर यूज़ कर सकते हैं, नहीं अभी नहीं, 19 डेज में ये फ्री होने वाले। सोलो गोल्ड से ही करते हैं, परफेक्ट। एंड अब देखें अब क्या बचा, एक ही हो गया, एक ही हो गया। एलिक्सर बिल्डर पोर्शन, चलो ये ज़्यादा अच्छा है। अरे यार यार कुछ अपग्रेड नहीं कर सकते भाई। या तो 50 जेम्स लो, छोड़ो कुछ हिट लेते हैं भाई थोड़े से। नेक्स्ट बॉल कितने में होगी, 3 में हो जाएगी ना, ठीक है एक दो हिट लेंगे कम से कम, हमारा एक मैजिक आइटम यूज हो जाएगा। देन टाइम टू स्पैम एंड होप फॉर द बेस्ट। इसमें 1 स्टार तो आ जाता है, 2nd स्टार थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, 50% नहीं हो पाता, देखते कितना जाता है अपना। तो भाई होने वाला है स्टार 25। हाँ चलो आते हैं आते हैं, तुम्हारे क्लैन में हूँ आई थिंक, ये वाली आईडी इसी क्लैन में है, सो वो स्टार्ट होगी तो देखने लगेंगे हम लोग कब तक। वैसे भी फिर तो प्रेप टाइम होगा, चलो एटलीस्ट 2nd स्टार हुआ। लेट्स सी भाई अपोनेंट क्या कर रहा है मेरे बेस पे, एंड हम ऑलरेडी हार चुके हैं। ओ नहीं 1 स्टार हो गया, जी जी परफेक्ट भाई परफेक्ट, यही चाहिए था। होप फॉर द बेस्ट, एंड एक हिट और चाहिए आई थिंक। नहीं, 2.8 है, नहीं 2 हिट जाएंगे, नहीं आई थिंक बोनस मिलना है ना, आई डोंट नो मेरे पास सेकेंड हिट है या थर्ड हिट है ये वाला। चलो जो भी, अभी तो खैर 2-3 मिनट होंगे मेरे पास वैसे भी नेक्स्ट वॉल स्टार्ट होने में। आउटसाइड ही रखते हैं, प्लीज प्लस रिजल्ट बिल्डर हॉल। यार बेस विजिट नहीं कर रहा, सॉरी ब्रो। इस
पे तो नहीं होना चाहिए भाई, मेरा सेकंड स्टार 41 3। हाँ मे बी किंग निकाल ले जाए, किंग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई इसको तो। 47 कम ऑन, क्या ही भाई, सबसे मतलब हद बिल्डिंग पे जाता है सबसे पहले, इतनी बिल्डिंगें हैं कहीं भी लॉक हो। नोप, ये तो हार गए होंगे पक्का। लेट्स सी, हमारी वॉर नहीं अभी नहीं स्टार्ट हुई है। अपना चार्जिंग पोर्ट हटा दे भाई, स्ट्रीम करते नहीं बैक टू बैक तो भाई मेरा हेडफोन वायरलेस है तो उसमें बैटरी नहीं बची थी भाई, जब स्ट्रीम एकदम चालू करने वाले थे 5 मिनट पहले देखा भाई इसमें रेड लाइट ब्लिंकिंग दे रहा है, तो उसको चार्जिंग पे ला के बैठा था मैं तब से। अरे खत्म करो भाई, इतना क्या टाइम लेना, अभी भी उनका अटैक ही चल रहा है, स्पैम मारो खत्म। सुमित 007 के साथ मैच है क्या ब्रो आपका? नहीं सुमित, मैं नहीं खेला भाई, मैं तो केवल स्ट्रीम कर रहा हूँ। सो हमारी ब्रैकेट वैसे पिन है, अगर तुम देखना हो तो देख सकते हो TW के अगेंस्ट कौन सी टीम है, एंड हम इस समय एचसी टेस्ट वाला क्लैन में, सो उनके अगेंस्ट तो नहीं है। अगर उनके कोई क्या नाम था यार, उनका नाम भी भूल गया भाई मैं, ब्रैकेट में कौन सी टीम थी वो, ड्रैगन सोल टीम तो नहीं, आई थिंक उसकी तो TWO भी है, आई डोंट नो भाई उनके सेकंड थर्ड लाइनअप है तो मैं कह नहीं सकता, बट चांसेस काफ़ी कम ही है। उनका देख लो कौन है उनके अपोनेंट के ब्रैकेट में। प्रॉब्लम है ये भाई, इस वाले क्वालिफायर में हर एक टीम के पास मतलब एक्सेस है कि उनको अपना मैच स्ट्रीम करवाना है या नहीं, बेसिकली मतलब इनडायरेक्टली बोलें तो वो क्लैन में तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो मोस्ट लाइकली ज़्यादा क्लैन तो खैर रिजेक्ट ही कर देंगे, अगर जान पहचान है तभी तुम किसी क्लैन में इंटर कर पाओगे। बड़ा पंगा है भाई क्वालिफायर का भी। अबे फिर नहीं मिला भाई। क्या सीन है? नहीं अभी नहीं स्टार्ट हुई, टाइम 29 में भी 2-3 मिनट में स्टार्ट हो, 5 मिनट के तो वैसे प्रेप टाइम ही रहेगा, सो थोड़ा बहुत तो टाइम मिल ही जाएगा। बाकी वॉर पे जरूर ये ध्यान देना पड़ेगा भाई कि 30 मिनट की वॉर है, पता नहीं कौन बंदा किस टाइम पे हिट लेने लगे, कोई ईडी वाला हुआ पता लगा, उसको प्लानिंग आने की जरूरत ही नहीं है, पहले 5 मिनट में ही कूद गया, क्योंकि 15 मिनट में तो वैसे भी उनको 2 हिट तो लेने ही हर एक टीम को। ओके कौन से एरिया से ट्राई करें, चलो लेफ्ट साइड से आते हैं, आई डोंट नो भाई सिमेट्रिक ही है लगभग लगभग। ओह कम ऑन, चला गया, डरा दिया था भाई एक सेकंड के लिए बंदे। चेक माई बेस, सॉरी ब्रो आई एम नॉट विजिटिंग बेस। सेकेंड स्टार तो हो जाएगा आई थिंक हमारा। ओके डिसेंट परसेंटेज आई थिंक, एक जिसकी आर्चर आई थिंक क्या बोलते हैं सो, जो थोड़ा सा स्मॉल रेंज में काम करते हैं, आई डोंट नो भाई इतना ज़्यादा भी नहीं भाई, 66 बहुत ज़्यादा नहीं है, देखते हैं। और अभी भी नहीं स्टार्ट हुई, वेट वेट वेट। अबे यार भाई हर एक बंदा भाई, नहीं 66, अरे हो गया यार हार गए, ऐड साला 2% से मतलब एक बिल्डिंग से आ रहे हैं भाई रियली।
हीरो तो भाई एक दो बिल्डिंग निकालने के बाद कुछ वैल्यू नहीं निकाल पाए, टू स्टार हो जाएगा आई थिंक। 59 52 परफेक्ट। ये आदमी भाई वैसे ही है, तुम दो स्टार कर दो एंड देन होप करो कि तुम्हारा एनिमी कहीं से गलती से वन स्टार कर दे, परसेंटेज नहीं मिलता इसमें ज़्यादातर, 50 60 के राउंड ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादातर आर्मी, बस और नहीं मिलना भाई। 56 ख़त्म करो, क्योंकि अगर उसका टू स्टार होता है तो मोस्ट लाइकली वो बंदा जीतेगा ही जीतेगा। एंड यहाँ पे वन स्टार के चांसेस हैं, होगा भाई वन स्टार ही होगा, 6 मिनियन 8 मिनियन से तो नहीं होगा आई थिंक सेकंड स्टार। कम ऑन, बच गए आई थिंक। चैलेंज आने लगा है, 5 न्यू मैसेज सॉरी 3 न्यू मैसेज हैं, लेट्स सी। हाँ थोड़ी देर में खाता हूँ। ओके हियर वी गो। लेट्स गो। अपने टीम में से कौन सी है? नहीं मैं नहीं जानता भाई। इंटरनेशनल है, प्लेयर के नेम भी नोप आई डोंट थिंक सो, मैं किसी को भी जानता हूँ। मेरी टीम अगर की लाइनअप देखने अच्छी टेस्ट लगी तो देख सकते हो। ऑडो है, इनविंसिबल, एलजी को तो आई थिंक मैंने पहले कभी देखा है, मेरे को आई डोंट नो पता लेजेंड लीग का प्लेयर है या नहीं है, ऐसा नाम देखा देखा सा लग रहा है। नहीं आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। एंड स्टार्डम को भी देखा है हमने, सहारा तो ऑब्वियस बात है लीडर है, ये सब तो पुराने प्लेयर आई थिंक, तीन प्लेयर तो मैंने इनके पहले भी देखे हैं, एलजी हो गया, स्टार्डम हो गया एंड सहारा, बाकी दो प्लेयर नॉट श्योर भाई, लेट्स सी कैसे हिटाते हैं। तो एक ही टोल लेते हैं भाई, मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव अ फीलिंग भाई मेरे को सेकंड स्टार भी नहीं मिलने वाला है, ऐसा नहीं होगा भाई, टाउन हॉल बिल्डर हॉल नहीं डाउन होगा कभी, बहुत ही गलत साइड सेंट्री ले दी। छोड़ो, वोडो उटांग का एक्स, सॉरी उटांग का एक्स प्लेयर है, वोडो उटांग के तो बंदे मैं जानता हूँ, मेरे को तो नहीं याद आ रहा भाई, एक्स प्लेयर। ओके आई डोंट नो भाई, फिर मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा अभी तो। उटांग के प्लेयर कैसे तो ज़्यादातर रिटायर हो गया उसके बाद, तो कुछ बंदे पहले लेजेंड लीग में भी दिखते थे जब आई मीन जब उनकी लाइनअप एक्टिव थी, अब तो आई थिंक कोई बंदा लेजेंड लीग में भी नहीं दिखता, सो आई गेस भाई कंप्लीटली सीओसी से ही रिटायरमेंट ले ली। वैसे इमेजिन करो बताएंगे, जैसे अब तो खैर आई थिंक क्वालिफाई, हाँ क्वालिफाई नहीं की थी, बड़ा क्वालिफाई करती तो उनकी जगह वार्म अप में किसको लाते, क्योंकि इन्वाइटेड टीम के हिसाब से भाई किसी ना किसी को लाना पड़ता है उन्हें। उनकी लाइनअप रिटायर हो गई तो पता नहीं किसको लाते,
अभी अपने पास कौन कौन सी टीमें होंगी? एक तो ट्राइब हो गई, देन नावी हो गई, एंड आई थिंक SSG की जगह मोस्ट लाइकली क्लैश चैंपियन इनवाइटेड होगा क्योंकि वो खेल भी नहीं रहे आई थिंक क्वालिफायर में। देन और कौन कौन सी टीमें होंगी भाई? एक तो वो हो जाएगी आई थिंक चेस में गेमिंग GS, MSC स्पोर्ट्स, पाँच हो गए, और कौन से क्लाइंट बचे? एक्स टीम हो गया, दो और भी नाम बचे भाई जो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। और कौन सी टीम हुई भाई? नहीं अभी नहीं याद आ रहा इसमें बिल्कुल भी। जापानीज टीम में हाँ हो गई भाई, GS हो गई, कोई नौकर हो गई, पता नहीं, जब भी है देखते हैं कौन कौन सी टीम है, देखना पड़ेगा। आई थिंक ट्विटर पे कहीं ना कहीं शेयर किया होगा बंदों ने, बट मेरे को इसमें याद नहीं आ रहा। एंड हियर वी गो, बैटल लेट्स स्टार्ट। सो फोकस करते हैं भाई, कौन का हिट लेता है। ओ हाँ, स्ट्रेट स्पोर्ट्स भाई एंड रिपोर्टेड, हाँ ये दो नाम याद ही नहीं आ रहे थे, स्ट्रेट स्पोर्ट्स एंड रिपोर्टेड गेमिंग। रिपोर्टेड गेमिंग के अभी क्या, रिसेंटली मैंने ज़्यादा मैचेस देखे नहीं, सो आई डोंट नो भाई कैसे परफॉर्म करेंगे वो। स्ट्रेट डिसेंट है अभी तो, लेकिन बहुत ज़्यादा OP वॉर उनके नहीं देखने मिला इसमें। ऐसे ऑन पेपर अगर देखे जो परफॉर्म भी कर रहे हैं, एक हमारे पास क्लैश चैंप अच्छा खेल रहा है, MSC स्पोर्ट्स अच्छा खेल रहा है, नावी की लाइनअप के मैचेस इवन तो इतने ज़्यादा हुए नहीं, बट ऑब्वियस बाद उनकी लाइनअप भी काफ़ी अच्छी है, सो उनके भी मैचेस बहुत सही जाते हैं। एंड इन टीमों में अगर मैं सबसे वीक बोलूँ, जो आई मीन ऑन पेपर तो अच्छी बट आई थिंक उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो हमारे पास स्ट्रट ही होगी भाई। प्लेयर उनके पास इतने अच्छे, बट उनको अभी तक रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा इतना अवार्ड जीतते देखा नहीं भाई। रिपोर्टेड को चेस में गेमिंग ने स्पॉन्सर कर लिया, ओके फिर मेरे को आइडिया नहीं, फिर मेरे को आइडिया नहीं रिपोर्टेड गेमिंग। अरे वही बोला भाई, चेस में गेमिंग की इतनी सारी से मैं लाइनअप में कन्फ्यूज जाता हूँ कौन कौन सी है। GS भी उनके अंडर आती है इस समय, आई थिंक EU में भी एक दो टीमें हैं, पता नहीं भाई उन्होंने कौन कौन सी स्पॉन्सरशिप कर रखी है। अभी हमारे पास एक जो टीम बची है जो स्पॉन्सर नहीं, वो MSC है, देखते हैं भाई उनको कौन से बंदे मिलते हैं। क्वीन ऑकर को तो भाई बड़ा तगड़ा क्लैन मिला, नावी, नावी तो भी आई थिंक COC की लाइनअप या बेसिकली बोल सकते हो, आई डोंट नो भाई इससे अच्छा कोई कभी ई स्पोर्ट्स मिला भी है किसी टीम को, नावी से बेटर तो आई थिंक कोई भी नहीं रहा भाई। ट्राइब गेमिंग बोल सकते हो, लेकिन ट्राइब गेमिंग भाई ये फ़ोन पे है केवल, PC पे है नहीं, जबकि नावी हर एक में है। सो ये नावी तो आई थिंक अगर रेवेन्यू के बेसिस पे भी देखें तो आई थिंक यूजली टॉप 10 में रहता है जितने भी स्पोर्ट्स हमारे पास, फेस क्लैन हो गया, बाकी सारे TSM। सही है भाई नावी, अच्छा स्पॉन्सर, पता नहीं भाई कैसे कॉन्टैक्ट किया क्लास सीन में इतना बड़ा स्पॉन्सर आता नहीं जल्दी जल्दा, बट जो भी भाई GG उनको भी। आई थिंक उनको ज़्यादा रेवेन्यू वेन्यू ऐसे कोई बेनिफिट नहीं होना, बट ये है कि नावी के सारे प्लेयर जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं बेसिकली, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ट्विटर पे भी है, यूट्यूब पे उनके लगभग लगभग हर एक बंदे का चैनल है। आई मीन कुछ बंदे एक्टिव नहीं है बट स्टिल अच्छे खासे आई थिंक हर एक बंदे के सब्सक्राइबर हैं उनकी, कभी वॉर भी स्ट्रीम होती है सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आती है, सो मे बी भाई वो एक प्लस पॉइंट हो जिसको लेके नावी ने कंसिडर किया हो, बाकी आई मीन जीतते तो रहते ही हैं, सो वो तो ऑब्वियस सी बात है। एंड हियर वी गो, फर्स्ट हिट आता हुआ, कैनन, कैनन क्या बोलूँ मैं, लग ही रहा था भाई ET और हाइड्राइड वाले बंदे होते हैं भाई जिनको सबसे कम टाइम चाहिए होता है। लेट्स सी, सुपर आर्चर क्लोन एंड आई थिंक हमारे पास हाइड्रा है, ब्लिंप, भाई साहब ज़्यादा कुछ बंदे ने ट्रैश ट्रिगर करने का ट्राई भी नहीं किया, केवल दो लून ड्रॉप किए थे क्लोन करते हुए, इन्विज करते हुए, परफेक्ट सुपर आर्चर। लेट्स सी टाउन डाउन कर पाते हैं नहीं, टाउन हमारा इन्विज होता हुआ, सेकेंड रेज आता हुआ, अरे भाई मेरे को तो नहीं लग रहा टाउन हॉल मिलना चाहिए बंदे को, एक ही इन्विज हमारे पास और बचा हुआ है। सुपर आर्चर अभी भी किंग पे लॉक थी एंड बंदे को टाउन हॉल पे फ्रीज ड्रॉप करना पड़ा, बट अभी भी हमारी सुपर आर्चर लॉक होती नहीं हुई, गया भाई, गया बंदे का अटैक, आओ नो, कोई भी वैसे सेकेंड अटैक लाइव है बट ठीक है इसको कंटिन्यू करते हैं, उसको बाद में देख लेंगे रिप्ले में। एंड लेट्स सी, अब हमारे पास बैकअप ऑप्शन आता हुआ, भाई बंदे के पास कोई स्पेल नहीं बचे, टाउन हॉल को फ्रीज भी नहीं कर सकते, एंड आई थिंक जब तक हम टाउन हॉल पे लॉक होंगे तब तक हमारा इन्वेस्ट वापस से रिचार्ज ना हो जाए भाई, क्योंकि क्वीन फिर टाउन हॉल भी नहीं डाउन कर पाएगी। लेट्स सी, लेट्स सी, एक साइड पे तुम्हारा किंग ड्रॉप हो चुका है, आई मीन सॉरी ड्रैगन, किंग एंड क्वीन अदर साइड पे आती हुई, ऑन क्वीन थोड़ा सा जल्दी आओ कोर में, ओके
किंग डिफेंडिंग ओह नो क्वीन आउटसाइड जाती हुई एंड आई थिंक अब तो आएगी भी नहीं भाई टाउन हॉल की तरफ। तो बंदे को अपने हाइड्रा ट्रॉफी ड्रॉप करने पड़ेंगे। रिप ये अटैक तो ख़त्म भाई अब तो परसेंटेज भी नहीं मिलेगा बंदे को। सुपर आर्चर हमें 100 ओपी नहीं होती हैं काम नहीं की बंदे के लिए। ओ भाई रेड माइन आई थिंक 4 या 5 रेड माइन पड़ी। टाउन हॉल फिर से इनविज होता हुआ। फोर्टीन एबिलिटी ऑलरेडी पॉप कर चुके हैं सो लेट्स सी पॉइजन का कितना डैमेज आएगा। अभी इवन माई ड्रैगन भाई टाउन हॉल पे लॉक होते नहीं हुए फाइनली कुछ ड्रैगन राइडर एंड लून जाते हुए आई थिंक टाउन हॉल तो मिल जाना चाहिए इतना तो डैमेज ले ही लेंगे। बट उसके अलावा आई डोंट नो भाई कितना परसेंटेज में कलेक्ट कर पाएंगे। 2 स्टार एटलीस्ट है 59% हो चुका है बाकी देखते हैं क्या है भाई। हाइड्रा तो वाइप आउट हो गया कोर में तो कुछ बचा ही नहीं बंदे के पास। ऊपर से सीसी में लावा ऑन ट्रिगर हो गया था सो आरसी भी कुछ खास वैल्यू नहीं निकाल पा रही। कमान 61 चलो ठीक है ये तो ख़त्म है। नेक्स्ट हिट पे आते हैं लाइव होते हैं देखते हैं वो हिट कैसा जा रहा है। एंड इस इन्हीं टीम का भाई सेकंड बंदा भाई एकदम वेट नहीं किया बंदों ने। एंड इसका भी मुझे लग रहा है सुपर आर्चर वाला पार्ट फेल हुआ भाई। आई डोंट नो भाई बंदे क्या कर रहे हैं देखते हैं इसके रिप्ले में जाके क्या हुआ भाई। रिप एक और अटैक वो वाला बंदा तो फिर भी कम से कम सेकेंड स्टार सिक्योर कर ले गया था। यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा भाई ये बंदा सेकेंड स्टार भी ले पाएगा। जी जी छोड़ो बेफालतू में बाकी ट्रैप्स नहीं शो करते एस जी के पास। अब तो अच्छा मौका है भाई 2 अटैक में उनकी तरफ से 3 स्टार ही आए। परसेंटेज वाइज भी बहुत लो परसेंट है सो आई मीन अगर इस समय तो 2 2 स्टार भी अगर ठीक ठाक सिक्योर करते रहे एंड किसी एक हिट में 3 स्टार ले आए तो भाई इजी पीजी हो जाएगा। आशिक हसनैन हेलो ब्रो हेलो ध्यान नहीं दिया था भाई ये वाला मैसेज मैंने आई थिंक चैट के बीच में मिस हो गया होगा। हैप्पी स्ट्रीमिंग ब्रदर थैंक यू ब्रो थैंक यू। बाय द वे इन गेम साउंड आ रही है कि नहीं आ रही आई थिंक मैंने ऑन तो किए थे आई डोंट नो हाँ आई थिंक ऑन है बट आई डोंट नो भाई मैंने काफ़ी लो रखी है सो पता नहीं भाई कितनी आवाज़ आती नहीं बट अगर कोई कम ज़्यादा हो तो बता देना मैं चेंज कर सकता हूँ इन गेम साउंड हो गया या फिर मेरी आवाज़। भाई बंदे तो हिट पे हिट लिए पड़े वेट ही नहीं कर रहे भाई उनको तो पंद्रह मिनट में 2 हिट लेने तो बंदे बोल रहे हैं अपने सारे हिट ही कंप्लीट कर देंगे हम लोग तक। ओके वंस अगेन सिमिलर आर्मी आई थिंक हाइड्रा सुपर आर्चर क्लोन लेट्स सी आपके पास सुपर आर्चर वाला पार्ट फेल होता है नहीं अभी तक स्टार्टिंग के दोनों में आई थिंक बंदे की सुपर आर्चर ब्लिंप ही फेल हो गई है। मेरे पे गो हाइड्रा आता हुआ ईगल कंपार्टमेंट की तरफ से इवन बंदे ने आरसी भी नहीं होल्ड की भाई एकदम ही ऑल इन खेल रहे बंदे आरसी भी टॉप कर दी गई है। लेट्स सी बॉडी मिलिटी फाइनली अभी गो ट्रिपल आइस वॉलम लोअर आउट होता हुआ आरसी की वजह से क्या फ़ायदा भाई फिर आरसी को होल्ड रखते थोड़ा। ओके सुपर आर्चर पे ही फोकस करते हैं वैल्यू तो काफ़ी अच्छी है बस देखते हैं टाउन हॉल मिलता है नहीं। स्केट शॉट डाउन करते हुए सॉरी हाँ स्केट शॉट भी डाउन होता हुआ मोनली डाउन हो ही चुका है। मल्टी इन्फर्नो भी आई थिंक मिल जाएगा बट मेन वैल्यू भाई टाउन हॉल ही है। एंड वंस अगेन पॉइजन ओह नो क्या कर रहे भाई बंदे हाँ 1 स्टार ही है कुछ भी नहीं भाई बंदा आरसी तक ड्रॉप कर दिया था भाई आरसी का क्या लॉजिक था कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मैं नूब हूँ यहाँ पे इस समय पता नहीं भाई क्या चल रहा है।
जो भी है खत्म है भाई, सेकंड स्टार तो नहीं आएगा, क्वीन बिल्टी ऑलरेडी फोर्स हो चुकी है, सो कोई फायदा नहीं। ओके हियर वी गो भाई, अपनी टीम की तरफ से फर्स्ट रेट आता हुआ एलजी, इनविंसिबल एलजी, लेट्स सी। एक और हिट लाइव है बट देखते हैं, इस पे फोकस करते हैं, एंड आई थिंक ब्लिजार्ड ला लो है, लेट्स सी। एक ही इसके लिए है सो इसके लिए डोनेट तो होगा नहीं। ओके हियर वी गो, ब्लिंप आते हुए विद वार्डन एबिलिटी टाउन हॉल कंपार्टमेंट के लिए, एंड मोनोलिथ है, दो स्पेल टावर मिल जाएंगे। ओ भाई डबल जाइंट बॉम्ब, बट आई थिंक बंदे ने काफ़ी सारे स्निकी रखे थे अपने पास, स्निकी बोला सॉरी गॉबलिन। अरे नहीं भाई सेकेंड थोड़ा सा लेट हुआ, बट स्टिल हमारे पास अभी बचे हुए सुपर विजार्ड, कम ऑन। ओके हियर वी गो, टाउन डाउन होता हुआ भाई, ई टाइटन भी था कि डिफेंडिंग सीसी में बच गया भाई बंदा। ई टाइटन आई थिंक हमारे वार्डन की तरफ थोड़ा सा आ गया था, अदरवाइज सुपर विजार्ड तो हमारे गायब हो जाते फोर में। लकी लकी आरसी क्वीन किंग भी फाइनली ड्रॉप होता हुआ, सो वैल्यू वाइज अगर देखें तो आई थिंक डिफेंडिंग क्वीन तक बंदे को वैल्यू चाहिए। एक वॉल ब्रेक भी है, देखते हैं अगर उससे हम इसके तो शॉट वाला कंपार्टमेंट ओपन कर पाते हैं या नहीं। थोड़ा सा फनल भी सेट करते हुए सिंगल इन्फर्नो के लिए, आई थिंक इसके लिए इवेंचुअली यूज़ होना चाहिए या कुछ और प्लान है तो पता नहीं भाई। हाँ इसको वाला आता हुआ, नहीं इसके लिए सिंगल इन्फर्नो के लिए नहीं यूज़ कर रहे। वॉल ब्रेक आता हुआ फाइनली इसके लिए ड्रॉप किया गया, मुझे लग रहा था भाई वही प्लान होना चाहिए। सीसी भी आता हुआ अभी देखो सही लग रहा है भाई बंदे का, अगर देखें तो ला लो, आई थिंक ईगल कंपार्टमेंट की तरफ से स्टार्ट कर पाएंगे। एंड बैक एंड में सिंगल इन्फर्नो है, एक स्केटर शॉट ही है जो ज़्यादा डैमेज दे सकता है, सो उसको अगर अच्छे से मैनेज कर ले जाए तो मे बी, बट वही प्रॉब्लम है मेरे पास वार्डन नहीं है। एंड ला लो भाई टेस्ला फार्म की वजह से स्ट्रगल करता हुआ स्टार्टिंग में ही, दो हेस्ट हैं, चार फीस है, फीस हमारे पास काफ़ी सारे हैं। ओके लेट्स सी, ओह नो ट्रिपल रेड बॉम्ब, लूंस तो गए भाई उस एरिया वाले, एंड फीस हमारे पास इवन तो काफ़ी सारे हैं बट आई थिंक लूंस नहीं बचे हमारे पास। रिप आई, दो फ्रीज अभी भी है बट लूंस ही नहीं बचे हमारे पास। क्वीन तो इतना तो नहीं क्लियर कर पाएगी बट ठीक है, उनको वैसे भाई समय टू टू स्टार भी करते रहे तो आराम से जीत जाएंगे, परसेंटेज के मामले में काफ़ी अच्छा है। मे बी 85-89 के राउंड खींच लिया बट ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट रेट जुलाई चल रहा है उसका क्या सीन है। अब भाई ये बंदे तो उनकी तरफ से अटैक चल रहा है। ओके एक ट्रिपल आता हुआ फाइनली, 32 सेकेंड हो जाएगा आई थिंक, 30 सेकेंड में वॉल ओपन ही है, सो क्वीन ज़्यादातर बिल्डिंग रीच भी कर सकती है। लेट्स सी 24, चलो इसको एक बार देखते हैं रिप्ले में, ट्रिपल वाले को देखते हैं। और मे बी नॉट, और नाउ क्वीन डाउन 99। अरे भाई किस्मत ही खराब है बंदे की, आर्चर आउटसाइड में चली गई थी भाई, क्वीन को टैंक ही नहीं मिला। 98 छोड़ो फिर नहीं देखते, अगर 100 होता तो फिर भी रिप्ले में देख लेते हैं, अननेसेसरी भाई किसी के ट्रैप्स क्यों बर्न करो। अबे हमारी तरफ से ट्रिपल हो गया क्या? ओके ये बंदे ने कैसे मैनेज किया भाई, हमारे पास तो लूंस भी नहीं थे। क्वीन एबिलिटी बची हुई थी क्या? आई थिंक क्वीन एबिलिटी भी नहीं बची थी यार, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं। नहीं भाई क्वीन एबिलिटी भी फोर्स हो चुकी है, बंदे ने फिर किया कैसे भाई, बहुत सही मारा है बंदे ने, वॉल ब्रेक भी नहीं था यहाँ पे, तो मेरे को लगा था फेल हो गया बंदे का हिट। आई मीन दो फ्रीज जरूर है बट इसके तो शॉर्ट रीच कर नहीं सकते थे, पता नहीं भाई बंदे ने कैसे मैनेज किया। ओ वॉल ओपन थी, इसके तो शॉट रीचेबल है क्या यार, अगर है तो भाई तो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई बिल्डर बेस की तरफ से। ओ कम ऑन भाई ये तो बिल्डर बिल्ड मतलब बेस बनाने वाली गलती भाई, स्केटर शॉट तो रीचेबल होनी चाहिए भाई, उसी वजह से तो आई थिंक ट्रिपल आया बंदे का।
क्योंकि स्केटर शॉट अगर नहीं होता तो क्वीन कभी डाउन कर नहीं पाते, देन हमारे फ्रीज भी कुछ खास वैल्यू नहीं निकाल पाते, बट जो भी भाई क्या कर सकते हैं। एफ द गेमर्स है, शॉर्ट आउट दे दो, शॉर्ट आउट भाई आपको। माइक टीम हेलो, ओके आई मीन वॉल ओपन होने क्या, जो भी है भाई, हो सकता है सेल्फ बिल्ड हो या आई मीन अगर बाई किया है तो ये तो भाई बोल सकते हो रीचेबल तो नहीं होना चाहिए था भाई, ये तो मिस्टेक ही है बिल्डर की। और लेट्स सी नेक्स्ट हिट कैसा जाता है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि वॉल हमारे पास ओपन है, मुझे लग रहा था स्कैटर शॉट है नहीं, क्वीन आराम से डाउन हो जाएगी, लूंस बचे नहीं थे, मेरे को लग रहा था फेल हो जाएगा, बट जी जी भाई एस सी टेस्ला की तरफ से एलजी का फर्स्ट हिट, एंड देन हमारे पास लेट्स सी नेक्स्ट हिट कैसा आता है। क्वीन चाय ला लो है अभी भी वेट करते हुए, एंड ओके सो टॉप साइड से मेरे पास फ्रेंड फिंगर आती हुई, एंड मोस्ट लाइकली स्कैटर शॉट वाले कंपार्टमेंट में ही क्वीन चार्ज होना चाहिए, या देखते हैं कहाँ पे जानी क्वीन। बेबी डगन से थोड़ा सा फनल करते हुए, एंड देखते हैं मोर्टार को टैंक के लिए क्या ड्रॉप करते हैं विजार्ड। ओ नहीं, क्वीन हमारे पास आई थिंक मोनोलिथ कंपार्टमेंट की तरफ से आती हुई, विजार्ड ड्रॉप करते हुए आर्चर, एंड एक डैमेज आया आई थिंक अपने फ्लेम फिंगर पे, ठीक है इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। किंग हमारा मोनोलिथ की वजह से काफ़ी डैमेज लेता हुआ, एंड अर्ली किंग एबिलिटी पॉप होती हुई, क्वीन भी लॉक होती हुई मोनोलिथ पे, सीसी बहुत ही गलत टाइम पे है भाई, मोनोलिथ का बैक टू बैक काफ़ी देर तक हैवी डैमेज आएगा, देखते हैं। वॉल ब्रेक की तो जरूरत है नहीं आई थिंक क्वींस, नहीं टाउन हॉल कंपार्टमेंट के लिए चाहिए होगा एक वॉल ब्रेक, पर लेट्स सी क्या प्लान है। आरसी भी यार कुछ खास वैल्यू तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, स्टार्ट तो मेरे को भाई उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, आई मीन बंदे ने हीरो सुई करके ज़्यादा वैल्यू तो नहीं निकाली, बट लेट्स सी। एक और फ्रीज यूज़ करते हुए क्वीन एबिलिटी, आओ रिप, क्वीन इज डाउन, एंड कोर टाउन हॉल है भाई। ओके ब्लिंप है नहीं मेरे पास, सो हर हाल में मैं लालो ही ले जाना पड़ेगा, नो लेट्स सी। टॉप साइड से आएंगे भाई, मोनोलिथ की तरफ से ही बंदे का लालो आएगा पूरा पूरा, इतना तो मैं इजीली गेस कर सकता हूँ, और कहीं से मेरे पास पाथिंग भी नहीं बन पाएगी, एटलीस्ट वार्डन है सो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बट ये परसेंटेज बंदा आई थिंक ट्राई कर रहा है जितना ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो जाए। कमान भाई 43 सेकंड ही बचे हैं, लालो भी अच्छा, वैसे डबल रेज है सो इतना टाइम नहीं लगेगा। यार बको मोनोलिथ की तरफ से हमारा लालो आता हुआ, वार्डन भी ड्रॉप करते हुए, लगभग लगभग सारे लून्स आ चुके हैं एक लून को छोड़ के, फर्स्ट हेस्ट, लेट्स सी रेज हमारा कब आता है, रेज रेज फर्स्ट रेज आता हुआ, अरे परसेंटेज नहीं था भाई, ओह नो ध्यान नहीं दिया था मैंने भी, नहीं फाइनली टाउन हॉल एक्टिवेट होता, बट हमारे पास अबे भाई ये तो गया वन स्टार है इन्वेस्ट आवर ध्यान नहीं दिया था मैंने, फिफ्टी 52% एंड वन स्टार आता भाई इस स्ट्राइक से भाई, इनको तो दो दो स्टार भी अगर आराम से क्योर कर ले भाई जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से दो वन स्टार है भाई, आई मीन हार्ड थ्रो तभी हारेंगे बंदे, अभी भी भाई बैकअप करो दो स्टार करो आराम से, क्योंकि उनका एक ट्रिपल ऑलरेडी आ चुका है तो ऑलरेडी लीड में है, देखते हैं भाई देखते हैं थ्रो ना हो जाए हमारी वॉर, वैसे बंदे तो अच्छे हैं यार, आई मीन चांसेस कम है कि ऐसा होना चाहिए, बट होने को कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट हिट कौन करता है एंड अगर जीतते हो मेरे पास आज 3 राउंड है, सो नेक्स्ट राउंड भी इन्हीं का मैच ट्राई करेंगे स्ट्रीम करने का। तब तक देखते हैं भाई डिस्कॉर्ड में अगर किसी कुछ टैग का आया इस वाले में।
सच से कुछ खास नहीं, बट लेट्स सी। Here we go. Sahara. Queen charge, dragon rider, and एक heal भी है, so let's see क्या plan है। All right. आओ भाई, early nado trigger होता हुआ। I think single inferno का plan है, let's see। Blimp हमारी कहाँ पे open होती है? थोड़ा सा outside में है, but oh no, yeti बाहर जाते हुए। Rage जरूर use किया गया, okay. लूम्स हमारे डाउन करते हुए सिंगल इन्फर्नो पे, सो आई थिंक बंदे का रेज का प्लान नहीं होगा। सो एक स्पेल हमारे पास कम है क्वीन चार्ज के लिए या ड्रैगन राइडर जिसके भी लिए बोलो, क्योंकि अगर ब्लेम नैरो में ट्रिगर नहीं होती तो इजीली सिंगल इन्फर्नो निकाल ली जाती विदाउट रेज। और देखते हैं अपोनेंट क्वीन लॉक होती हुई, सो एक और रेज हमारा यूज़ होता हुआ, किंग हमारा आउटसाइड फनल क्रिएट करता हुआ, एंड हमारे पास नॉर्मल वॉल ब्रेक है। ओके सुपर वॉल ब्रेक, अच्छा सुपर वॉल ब्रेक तो थे भी नहीं, सो सीसी ट्रिगर कराने के लिए था या किसके लिए था? और तो आई मीन वॉल तो कोई ओपन होनी नहीं वाली इधर ज़्यादा, एंड ना हमें ओपन करके कोई अच्छी वैल्यू मिलनी थी। आई थिंक सीसी ट्रिगर कराने का प्लान होगा बंदे का। ये सही था भाई, बंदे ने दो स्केल ही भी ट्रिगर करा लिए। सीसी तो खैर ब्लिम से ही निकल गया था, सो सही वैल्यू है। ओके ओके स्केटर शॉट डाउन करते हुए, किंग एबिलिटी हमारी ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है एंड किंग हमारा डाउन होता हुआ। सो टाउन हॉल के बाद देखते हैं हमारा ड्रैगन राइडर कहाँ से स्टार्ट होता है। मोनोलिथ लॉक होते हुए सो काफ़ी, अरे भाई हीलर पे इन्वेस्ट। ओके टाइमिंग तो नहीं, अभी भी लॉक है क्या? अरे यार रिप ईगल का भाई। ओके हील यूज़ करते हुए बंदे को, आई थिंक अपनी क्वीन बचानी है भाई। क्या है ये ईगल का हद है भाई, सेकेंड टाइम सेम हीलर पे लॉक होती हुई। आई मीन क्वीन एबिलिटी फोर्स उस समय तो नहीं बोल सकते, बट फर्स्ट टाइम भाई क्यों लॉक हुई थी? हमारे पास क्वीन ड्रॉप थी, क्वीन पे लॉक हो गई भाई, क्वीन गई। मोनोलिथ में नहीं मिला, इसके तो शॉट भी नहीं मिला, एंड आई डोंट थिंक सो ड्रैगन एडा भाई इतनी ज़्यादा वैल्यू दिला पाएंगे। हमारे पास कोई स्पेल नहीं बचा है, ना कोई फ्रीज है, ना कोई रेज है, कुछ भी नहीं है। इवन हमारी आर सी भी स्ट्रगल कर रही भाई उस एरिया में, तो डाउन आर सी गॉन रिप। वार्डन एबिलिटी थोड़ा सा लेट आई, आई मीन आर सी को आई डोंट नो रेंज के बाहर थी या नहीं थी, बट आर सी को कवर कर नहीं पाए। ठीक है एटलीस्ट हमारे पास दो स्टार है भाई इस समय, तो दो दो स्टार से भी हमारा काम चल रहा है। ये वॉल तो खैर इतना ज़्यादा क्लोज नहीं जानी चाहिए। 68 एंड चलो नेक्स्ट हिट लाइव उसको देखते हैं। आई थिंक 75 के राउंड हो जाएगा हमारा परसेंटेज। ओके लेट्स सी भाई ये हिट कैसा जा रहा है। इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड अर्ली ब्लेम से हम टाउन हॉल तो ड्राउन कर ही चुके हैं। आई डोंट नो क्या था हमारे पास सी सी में, मिस कर गया, पर लेट्स सी हमारे ईडी कितनी वैल्यू दिला पाते हैं। बॉक्स बेस तो भाई आजकल ऐसे पॉपुलर हैं, हर दूसरा तीसरा बेस ऐसा लगता है बस बॉक्स बेस ही मिलेगा। अर्ली वार्डन एबिलिटी एक ईडी जरूर हमारा लेफ्ट साइड जाता हुआ डिफेंडिंग किंग की वजह से। फ्रीज मोनोलिथ पे करते हुए एक और फ्रीज ड्रॉप हुआ। कम ऑन भाई ईडी और पूरा वाइप आउट करो हमारा। एक तो तीन ईडी हमारे आउटसाइड है भाई, फनल आई डोंट नो सेट नहीं हुआ या क्या हुआ। वार्डन हमारा कोर में से मैं अकेले घूम रहा है एंड अभी भी बहुत कुछ बचा है बेस में। एक रेज दो फ्रीज और हैं, बट हमारे पास ना ही किंग है ना ही क्वीन है। आर सी आई डोंट थिंक सो भाई ट्रिपल आएगा ये। एक्सप्लो डाउन करते हुए आर सी सील्ड फाइनली यूज़ होती हुई, इसकेली ट्रिगर होता हुआ सो और हमारा टाइम खा जाएगा। नहीं होगा ट्रिपल नहीं होगा भाई, ईगल बची हुई है, टेस्ला फार्म भी है हमारे पास। सो अनफॉर्चुनेटली एक और डिफेंस आता हुआ। 69, 70 एंड 70 पे क्लोज होता हुआ या कुछ और बचा गया। ओके डिगी था बट 70% हमारा फाइनल हिट रहा। सो चार अटैक के बाद हमारे पास दो स्ट्राइक लीड है, डिसेंट है क्योंकि हमारी तरफ से एक ट्रिपल आया है एंड उनकी तरफ से दो वन स्टार दे। सो लीड हमारे पास अभी भी है, इजी पीजी है भाई। बस बंदे को लास्ट हिट में आते कितने दो स्टार चाहिए होंगे, उसके बाद तो इनकी रीच के बाहर है। सो बस लास्ट अटैक में दो स्टार करो भाई, गेम ओवर एंड नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाओ। देखते हैं वैसे इनके ब्रैकेट में नेक्स्ट राउंड में किस टीम के आने के चांसेस हैं। गो एससी टेस्ट के अगेंस्ट आई डोंट नो भाई, मैंने थोड़ी देर पहले ब्रैकेट अपग्रेड किया नहीं था।
देखते हैं। ओके, उनकी तरफ से लास्ट शीट आता हुआ। सो आई गेस भाई बंदे टारगेट सेट कर देंगे कि तुम्हें कितने स्टार चाहिए जीतने के लिए। भाई इनका तो लग रहा है भाई सुपर आर्चर के अलावा दिखता ही नहीं। आई थिंक पांचों हिट सुपर आर्चर के साथ ही बंदों ने किए या क्या था, बट सुपर आर्चर ही चल रहा है इनका तो। एक सेकंड में ब्रैकेट देख रहा हूँ, तब तक तुम लोग एक बार अटैक देखो। देखते भाई कहाँ गए। एक तो रिफ्रेश कर दो तो भाई ब्रैकेट एक तो। हाँ ठीक है, एसिड टेस्ट लग अगेंस्ट। अबे भाई इनको तो विन ऑलरेडी मिल चुका है ब्रैकेट के हिसाब से, हमारे में तो अभी अपडेट किया नहीं। भाई हम पीछे चल रहे हैं, ये क्या चल रहा है। आई मीन उन्होंने कुछ क्लेम एम कर दिया या क्या हुआ भाई। एसटी टेस्टला ऑलरेडी दिखा रहा है अगले राउंड में पहुंच गई, जबकि अभी तो हमारे पास लाइव मैच चल ही रहा है। ये सही है भाई, पता नहीं इनका कोई प्लेयर बाहर का है या क्या है, बट जो भी है अपोनेंट में तो खैर अभी नहीं हुआ है। कुर्डिश टीम होगी या फिर स्टील स्वान, पता नहीं भाई कौन सा क्लैन है। स्टील स्वान देखते हैं। ओके एंड पता नहीं भाई इनका सुपर अच्छा वाला पार्ट सही नहीं जाता है क्या है। वन सेकेंड डाउन, नहीं डाउन होता हुआ रिप्ट। एंड वापस से भाई टाउन हॉल को निकालने के लिए हम अपने हीरोज ड्रॉप करते हुए सम हाउ अपना सेकेंड स्टार निकालने का ट्राई करेंगे। एटलीस्ट अब के हमारे पास इन्विस नहीं है, सो टाउन हॉल तो कम से कम इन्विजिबल नहीं होगा। बट मोनेल तो भाई हैवी डैमेज देती हुई, किंग हमारा आई थिंक डाउन होता हुआ ट्रिप। किंग गया भाई, बंदों के पास आई थिंक नए पेट भी नहीं है क्या, सारे के सारे पेट पुराने हैं भाई। आरसी के साथ लस्सी कौन यूज़ करता भाई आजकल, इतने अच्छे अच्छे छोड़ो ये तो ख़त्म है भाई। बंदे को टाउन मिलने नहीं वाला, अपना हिट ही देखते हैं। एंड सेवन इनविस, इसने क्या आश्चर्य होनी चाहिए भाई यहाँ पे। आई मीन सुपर विजार्ड भी हो सकते हैं मिक्स आर्मी, लेट्स सी क्या प्लान है। हाइड्रा ओके ओके, नेट अर्ली ट्रिगर होता हुआ जो अच्छी न्यूज़ है। आई थिंक वार्डनेबिलिटी अभी बंदे ने होल्ड कर रखी है, किंग क्वीन हमारे आउटसाइड, फाइनली वार्डनेबिलिटी आती हुई। एंड लेट्स सी ब्लिंक कहाँ पे ओपन करनी है। परफेक्ट, आई थिंक कोई जाइंट बॉम्ब तो ट्रिगर हुआ नहीं, सो सही है। स्निकी आर्चर ही है, वैल्यू तो काफ़ी अच्छी थी भाई। मोनोलिथ था, दोनों स्कैटर शॉट आई थिंक मिलने चाहिए। इन्फर्नो लेट्स सी इवेंचुअली मिलता है नहीं। टाउन और डाउन होता हुआ परफेक्ट भाई परफेक्ट। इवन डिफेंडिंग क्वीन डिफेंडिंग आरसी भाई। बंदा कोर पूरा वाइप आउट कर गया भाई सामने से, तो कुछ बचा ही नहीं भाई। डिफेंडिंग क्वीन डिफेंडिंग आरसी, दोनों स्केटर शॉट, टाउन हॉल, मोनेलिथ एंड आई डोंट नो इन्फर्नो इन्हीं ने निकाला या वार्डन ने थोड़ा बहुत हेल्प किया, बट कुछ ज़्यादा ही अच्छी वैल्यू थी। ये होता भाई सुपर आर्चर का यूज़ करने का फ़ायदा, एक अपोनेंट क्लैन है भाई हर एक अटैक में कहीं पे भी रैंडमली यूज़ कर रहा है। कम से कम वैल्यू तो देखो यार उनका, तो भाई डाउन ही नहीं डाउन होता है, पता नहीं कहाँ पे ड्रॉप करते हैं क्या होता है। ट्रिपल आएगा या नहीं, हो जाएगा आई थिंक। क्वीन बची हुई है, आर सी पी वन बची हुई है, सो एक और ट्रिपल आता हुआ एंड हम फिनिश करते हुए कितना 11 स्टार ना, 12 हो सकते थे अगर हमारा 1 स्टार ना होता। और जी, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करते हुए। एंड नेक्स्ट वॉर हमारी 24 मिनट के राउंड स्टार्ट होगी 4:30 से, सो वेट एंड वॉच। एक राउंड ही और बचा आज का, 3 राउंड होने दे, बाकी के 3 राउंड हमारे पास कल होंगे। अरे सही यार, इनके ब्रैकेट में अच्छा सिस्टम दिया उन्होंने। अपोनेंट अपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हो, अब ईजी भाई, पहले हम नाम ढूंढते रहते थे, अब तो ये भी दिखा रहे हैं कौन कौन से नाम बचे हुए हैं। नॉट बैड। हाँ राउंड 3 में देखते हैं कौन कौन सी टीमें बची हुई हैं। कोई बड़ा नाम, मैक इंडिया, चलो ठीक है, ई एम ई स्पोर्ट्स बचा हुआ है एंड एक्टिविटी ई ठीक है, पीएससी टेस्ट चला है एंड बाकी अभी डिसाइडेड नहीं है, सो लेट्स सी। ये वाली बार तो खैर जीते हुए, फाइनल स्कोर 11-2। भाई बंदे क्या कर रहे थे, 3 1 स्टार हमारे भाई बंदों ने।
नहीं 3 नहीं, सॉरी 2 1 स्टार है, बट बाकी भाई परसेंटेज कलेक्ट नहीं। ये बताओ बीएलडी भाई बोले इसको 2 2 स्टार, 52। एक बंदे का ट्रिपल फेल हो गया, बट उसके अलावा भाई कुछ भी अच्छा नहीं गया उनके लिए। तब तक ट्रिपल दिखा देते हैं। कौन सा ट्रिपल है? हाँ ये वाला देखते हैं। भाई ये तो मतलब मैं क्विट कर चुका था, मेरे को लगा था डिफेंस है, बट भाई क्या सीन। ये ओपन वॉल नहीं होती भाई, तो ये हिट कब का फेल हो गया होता है। पर जी जी भाई, जी जी बाद में जाके देखूंगा। आई थिंक मेरे OBS में मे बी बिट रेट की वजह से थोड़ा इशू होता हूँ, पता नहीं मेरी 720p पे क्यों लॉक है भाई। आई मीन मिररिंग ऐप में तो भाई मेरी मच बेटर क्वालिटी आ रही है, बट स्ट्रीम पे भाई पता नहीं क्यों इतनी लो क्वालिटी है। इनकोडर स्लो, गुड क्वालिटी। वीडियो भी डिसेंट है भाई। पता नहीं, देखते हैं बाद में, एक तो मैं ट्रायल रन करूँगा। अनिल कुमार 1717, हेलो भाई, हेलो, वेलकम वेलकम। हम अब वेट कर रहे हैं थर्ड राउंड का। फाइनली हमारे वॉक फिनिश होते हुए, जी जी परसेंटेज वैसे हमारे पास कितना था? 82, नॉट बैड। भाई 2 1 स्टार कौन करता है? आई मीन कॉम्पी खेल रहे हो, 2 1 स्टार कर रहे हो भाई, क्या ही बोले।
भी चल रही हो या जो भी है, लेट्स सी जब ब्रैकेट अपडेट होता है। वैसे इनका मैंने शेड्यूल देखा नहीं, आई मीन हमारे पास दोनों क्वालिफायर होने के बाद जो मेन मैचेस हैं वो तो आई थिंक ऑफिशियल बंदे होंगे, जो इनके स्ट्रीमर होंगे वो स्ट्रीम करेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट वो है कब मेरे को आइडिया नहीं भाई। कुलदीप ही माइट मींस नेम चेंज कब हुआ भाई? हेलो भाई कैसे हो? बढ़िया है बढ़िया, वेलकम ब्रो वेलकम। एकदम बढ़िया भाई एकदम बढ़िया, वार्म अप स्ट्रीम कर रहे हैं हम एस जी ट्रस्टेला की तरफ से। क्योंकि भाई बाकी वैसे किसी क्लाइंट में अगर कोई कांटेक्ट हो तो बताना, अभी क्या मैंने इनसे पूछा नहीं इनके मैच कल स्ट्रीम कर सकते हैं या नहीं, बट आई डोंट नो। सो अगर किसी क्लाइंट में कोई कांटेक्ट हो जो कल मैचेस खेल रहा हो तो बताना मेरे को, क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि क्लाइंट की मर्जी है, उनको एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है। सो किसी अच्छे क्लाइंट में एंट्री बहुत टफ होती है, आई मीन अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट ना हो तो। एक शायरी, एक अच्छा एक शायरी सुननी है, वाई नॉट गो अहेड भाई। मेरा बार बार भाई वाईफाई के पंगे देने लगता है, चलो भाई शांति से। आई डोंट नो तुम लोगों को बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है नहीं, बट क्योंकि हमारे आस मतलब काफ़ी क्लोज में मस्जिद है तो उनकी प्रेयर का टाइम है। कितना टाइम हुआ वैसे? 4:15, आई डोंट नो भाई क्या टाइम होता है, इतना पता है मेरे को दिन में कितना 5 टाइम होता है 6 टाइम, 5 आता है जो भी भाई जो भी है, क्या ही कर सकते हैं। चुनौतियों से डर नहीं है ये भी सही है पढ़े डर नहीं लगता, क्या उसमें पूरा डायलॉग था पता नहीं, सो बुलाते गए, सच्ची बात है ना भाई मिलते रहते हैं, कम ही नहीं है भाई ऐसे लोगों की। तब तक कुछ और हिट ले लेंगे, अभी कितना टाइम है, 15-16 मिनट और हैं, कुछ और अटैक अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं हम। चलो उसके हिट ले लेते हैं, क्या बोलते हैं क्लैन कैपिटल के, वैसे मेरे हिट बचे हुए हैं अरे बिल्डर नहीं फ्री है भाई। ओके लेट्स सी, बस उम्मीद करते हैं भाई ड्रैगन क्लिफ ना बचाओ, उसके अलावा कोई भी बेस ले लूँ, ड्रैगन क्लिफ ही है, चलो छोड़ो कोई नहीं, स्केल्टन पार्क देखते हैं कितना है, ट्राई कर सकते हैं इस पे। ओके इम्पोर्टेंट डिफेंसेस तो खैर ज़्यादातर बैक एंड पे ही हैं, लेफ्ट साइड से ट्राई करेंगे बट
पर जाएंगे नहीं हमारे ट्रूप्स। चलो डिटरमिन नहीं करनी भाई, लेट्स गो, लेट्स सी भाई कितना आता है। ये सही था भाई, बेस ओपन हो गया हमारे लिए। हो जाएगा आई थिंक सेकेंड हिट में हो जाएगा इजिली क्लीन अप। आई डोंट नो इस डिफेंस को क्या बोलते हैं, बट भाई जब ये शूट करता है तो बड़ा सेक्सी लगता है भाई। ये तो वो कैसे स्विंग करते हुए जाता है मस्त। आई डोंट नो इसका क्या नाम है, बट एनिमेशन बहुत सही बना है, देखने मस्त लगता है। घूमते 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 बढ़िया चीज़ है। जैप भी यूज़ कर ही लेते हैं भाई जब पड़ा है तो। भाई तो बेस खत्म है, 62 तो रेयरली मिलता है भाई, इतना ज़्यादा परसेंटेज तो मिलना ही नहीं चाहिए। ये तो बेस एकदम गायब ही हो गया। आई मीन 40-50 फिर भी डिसेंट होता है, बट 60 तो भाई कम मिलता है। आई मीन मिलने को मिल जाता है, बट 60 के बाद फिर बेस में कुछ नहीं बचता भाई अगले हिट लेने के लिए। ये लो भाई तुमको एक और इसके लिए हम दे देते हैं। हो गया कि और यूज़ करने पड़ेंगे हमें। चलो ड्रॉप कर लेते हैं भाई अननेसेसरी, स्वैग करने के चक्कर में पता लगे फेल कर जाएं। वैसे तो हो जाएगा आराम से भाई, बहुत सारे मेरे पास अभी बचे हैं इसके लिए। डॉक्टर ये तो स्ट्रेंज ही बोले, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंज भाई ऐसा नाम भी नहीं निकलता। आई डोंट नो भाई बंदे ने जानबूझ के नाम ऐसे ही रखा है या क्या है, स्ट्रेंज। सॉरी यार बस, बट बेस टैग नहीं विजिट कर रहा। आई मीन अगर तुमने उसके लिए टैग कॉपी किया है तो अब नहीं लेंगे भाई। ड्रैगन क्लिफ बिल्कुल नहीं टच करने का। बहुत कम पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ पे, किसी और को क्लीन अप करने दो। ड्रैगन क्लिफ कौन सा था मेरा, नहीं यहाँ सुपर ड्रैगन पोस्ट, इसको करते हैं अपग्रेड। ये भी हो गई लेवल 3। नेक्स्ट पे आते हैं। भाई मेरा एलिक्सर फुल होने वाला है। ओके क्या ही कर सकते हैं, नेक्स्ट बिल्डर भी, चलो बिल्डर भी हो जाएगा। देखते हैं एलिक्सर से कुछ है अपग्रेड करने लायक, कुछ भी नहीं भाई, गोल्ड माइन के अलावा कुछ भी नहीं है। 21, चलो चलते हैं अपने क्लैन में, देखते हैं क्या सीन है। अभी तो खैर वॉल स्टार्ट नहीं हुई होगी, बट एक बार ये जरूर मैं ब्रैकेट एक बार देखता हूँ भाई, ब्रैकेट में अगर अपडेट हुआ हो इनके अपोनेंट में कौन आएगा। अभी भी टू बी डिसाइडेड है, वेट करते हैं भाई। और वैसे तो 9-10 मिनट बचे हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए ब्रैकेट अपडेट हो गए। देखते हैं वैसे थर्ड राउंड में कौन कौन सी टीम है, कोई अगर जानी पहचानी हो अपने। इंक्विजिशन है, चश्मे गेमिंग, ये पता नहीं कौन सी लाइनअप है भाई मेरे को। वैसे एक बार चश्मे गेमिंग भाई ट्विटर चेक करना पड़ेगा, सॉरी उनके समय इतने ज़्यादा क्लैन है कि मेरे को याद ही नहीं भाई कौन से बंदे किस क्लैन में खेल रहे हैं। मैक इंडिया तो खैर अच्छा है, इंडिया का ही क्लैन है। ईएम स्पोर्ट्स, लोटस गेमिंग अच्छी भाई, लोटस गेमिंग आई थिंक उसकी टीम है इस समय। क्या नाम है, अरे क्या नाम है बंदे का, नाम ही भूल गया। हाँ लेक्सी है आई थिंक इस समय, आई डोंट नो भाई वो खेल रहा है स्ट्रीम कर रहा है, खेल रहा होगा वैसे, वार्म अप में अच्छा खासा प्राइस पूल है, स्ट्रीम करने के चांसेस कम है।
एक्सॉर्ट माइट ठीक है, वीएन टॉम्पनाई की टीम, ईवीएन ई स्पोर्ट्स भी डिसेंट है, सेवेज स्केल एक्टिविटी ई, मैट्रेम कोड रीजन भी ठीक ठाक है, रेनेगाडोस आई डोंट नो भाई कैसा परफॉर्म कर रहे हैं बट हैं तो अभी बचे हुए हैं, सेवेज ई स्पोर्ट्स तो कुछ कुछ क्लैन हैं अच्छे अच्छे मैक इंडिया हो गया, चेस में गेमिंग ये वाली लाइनअप है, तुम्हारी लोटस गेमिंग है जो बड़े बड़े आई मीन नाम बोल सकते हो, एक्सॉर्ट माइट हो गया, वीएन टॉम्पनाई की लाइनअप, सो प्लेयर तो हैं अभी भी। कैन यू स्टे क्लैन समझाने में, आई मीन यू वॉन्ट मी टू इन्वाइट टू योर क्लैन और वॉट? ई डी डी भाई इसका क्या मतलब हुआ? फॉर्म अप लाइफ अच्छा, वो तो खैर दिखा ही रहा होगा, सुसी गेमिंग का ही है। इंग्लिश में वैसे आजकल तो ज़्यादा तो सुसी गेमिंग ही प्रमोट होती है, पहले वो भी थी लेडी भी, बट उसके बारे में खैर बात ना ही करें। आई थिंक पहले उसको भी काफ़ी बार प्रमोट किया जाता था इन गेम। देखते हैं वैसे इस समय इन गेम में हमारे कौन कौन से क्रिएटर्स शो हो रहे हैं, कहाँ पे आता है वो? नहीं स्पोर्ट्स में तो नहीं हुआ है, कम्युनिटी में होना चाहिए मोस्ट लाइकली। सो सैलोमोन आई डोंट नो भाई कहाँ का है बंदा, बट देखा है मैंने भी इसके आई थिंक कई बार वीडियोस। सर मोस्ट तो पता है मेरे को, ब्लूप्रिंट है, क्लैशिंग एंड गेम, सीएनजी, पीएनजी का था, मैंने कभी चेहरा नहीं देखा। वैसे तो आई थिंक वो बंदा वॉइस के साथ करता भी नहीं है। क्रैप्ट यूट्यूब, बिग वॉले भी आई थिंक इस समय तो बंदे को वो मिल गया है, क्रिएटर कोड है इस समय। वैसे आई थिंक ये सारे बंदे क्रिएटर कोड वाले ही होंगे, कोड ब्लू, हाँ क्रिएटर कोड वाले ही प्रमोट होते हैं। आर एस क्लैश इंडिया में तो खैर तीन ही बंदे हैं, तीन में एक तो चला गया, सो क्या ही कर सकते हैं। सुमित आई डोंट नो भाई इसमें वीडियो बना रहा है नहीं, बट दिखा तो नहीं रहा भाई सर कहीं पे भी। ब्लू प्रिंट, क्लैश पेसिंग, शर्मोश इंग्लिश में उनके नहीं दिखाता मेरे को। क्लास 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 पैसिंग, इज़ू इज़ू का एक भी नहीं दिखा रहा भाई, ना इज़ू का है ना उसका है, क्या नाम है, लेक्सनोस का भी नहीं है, इवन कार्बन फिन का भी कोई वीडियो नहीं दिखाया। आई डोंट नो रीज़न की वजह से है या नहीं है, बट अगर इंग्लिश के दिखा रहे हैं तो भाई इंग्लिश में आई मीन जो भी है, जो भी है भाई हमको क्या करना, हिंदी में तो समझ में आता है। आर एस क्लैश एंड क्लैशिंग एंड गेम्स के दिखा रहा था, ऑब्वियस बात है इंडिया में है तो भाई उनके तो दिखाएगा ही दिखाएगा, बट इंग्लिश का दिखा तो रहा था बट कुछ कुछ नहीं दिखाया बंदे ने, जो भी है। एक सेकंड को चलते हैं अपने, देखते हैं ऐसे डोनेशन मिला है नहीं, अगर रिक्वेस्ट फुल होगी तो एक हिट ले लेंगे। नोप लग ही रहा था, इस समय कोई एक्टिव नहीं होगा हमारे क्लाइंट में भाई, इवनिंग का टाइम है, सब लेट नाइट ही एक्टिव होते हैं मोस्टली, एंड मोस्ट लाइकली मेरे पास भी भाई सीसी बना भी नहीं होगा। ये भी बड़ा पंगा है। सीसी है ही नहीं, छोड़ो भाई वेट ही करते हैं अपने। बुक ऑफ बिल्डिंग पता नहीं कहाँ पे यूज कर सकता मैं, 9 पॉइंट कोई बड़ी बिल्डिंग भी नहीं बची भाई, सब 9.8 वाली हैं। चलो किसी ना किसी भी तो कर ही लेंगे। हीरोज मेरे जरूर मैक्स, इस वजह से मेरे को टाउन हॉल 14 पे लेके जाना है, बट थोड़ा सा वेट कर रहा है क्योंकि मेरे पास वॉल्स भी काफ़ी बची हैं, डिफेंसेस भी आई थिंक अभी 8-9 बचे हुए हैं मेरे, 6 कैनन हैं, 4 आर्चर टावर हैं, सो डिसेंट है, एक इवन हिडन टेस्ला भी, हाँ सो भाई 11 करोड़ बचे हुए हैं मेरे पास डिफेंसेस भी, सो अभी कोई जरूरत नहीं भाई रस करने की, थोड़ा सा और वेट करते हैं फिर इवेंचुअली ये वाली आईटी मेरी टाउन हॉल 14 की हो जाएगी, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास लगभग लगभग हर एक टाउन हॉल की। वॉइस स्लो लग रहा है तुम्हारा, एक सेकंड को
सॉरी माइक, अब बताना, माइक मैंने ऊपर कर दिया था भाई। थोड़ा सा दूर हो गया था। आई डोंट नो, अब बताना, अगर अभी भी स्लो लग रही हो तो मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। हाँ, बोल रहा था मैं, क्योंकि इस समय का देखोगे तो मेरे पास जैसे टॉप टू की, तो ये दोनों हमेशा मैक्स टाउनर रहते हैं। आज ज़्यादातर जब भी नया टाउनर आता है तो दो आईडी हमेशा टाउनर मतलब मैक्स आउट ही होती हैं। सो दो टाउनर 15 की हो गई, देन ये थ्री वाली जो है ये इवेंचुअली टाउनर 14 पे हो जाएगी। तो मेरे पास 14 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 11 हो जाएगी। सो लगभग लगभग बोल सकते हो कि हर एक टाउनर की एक एक आईडी हो जाएगी। बट अभी मेरे पास टाउनर 13 की दो दो हैं। अब सही है वैसे। हाँ, वो पहले मैंने माइक थोड़ा सा ऊपर कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था वो मैंने। अरे वो वाला है ना जो हेडफोन में आता है, अटैचेबल और डिटैचेबल वाले, तो उसको हल्का सा थोड़ा सा स्वाइप करके ऊपर कर दिया था। अरे सही काम करता भाई, मैंने कई बार देखा है। अभी जैसे वैसे मेरे को पता नहीं है, मेरे को तो याद नहीं है कहाँ कहाँ पे सेटिंग चेंज की थी। OBS पे करता है या क्या करता है, बट कई बार एक दो मैंने देखा है, लोगों से पूछा है। जैसे अगर मेरे बगल वाले रूम पे कोई आवाज़ ज़्यादा आती भी है तो तुम लोगों को स्ट्रीम पे ज़्यादा आवाज़ नहीं जाती है। अब पता नहीं वो नॉइस ये खुद कंप्रेस करते मतलब सप्रेस करता है या OBS में कोई मैंने सेटिंग लगा रखी है, तो मेरे को याद भी नहीं भाई। ये तो जब सेटअप करता हूँ फर्स्ट टाइम तो सब चीज़ें जितनी मिलती हैं सब एक्टिवेट कर देता हूँ, तो सही चीज़ है। ट्वेंटी नाइन हो चुका है ना। चलो चलते हैं अपने क्लाइंट में ही चलते हैं। एक बार हम फिर से ब्रैकेट ट्राई करते हैं, अगर दिखा दे। आई डोंट नो भाई, लास्ट टाइम तो अपडेट नहीं हुआ था। राउंड थ्री एंड एसजी ट्रस्ट भाई, इनके अपोनेंट में अभी टीबीडी चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। अभी भी नॉट डिसाइडेड, कम ऑन रियली। देखें डिस्कॉर्ड सर्वर पे ही कुछ नया हो तो। लेक्स में चलो इफ़ यू वांट, कोई फ़ायदा नहीं भाई। कोई फ़ायदा नहीं, तुमको पता नहीं क्या वैसे इसका फॉर्मेट क्या है? भाई यहाँ पे क्लाइंट की मर्ज़ी है कि वो हमको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो अगर हम किसी अननोन क्लाइंट में जाएंगे ना तो 90% के ऊपर चांस है कि हमारी रिक्वेस्ट तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर तुमने पहले से उनको बोल नहीं रखा है, कॉन्टेक्ट नहीं है, तो भाई तुम नहीं जा पाओगे। वार्म अप का क्वालिफायर का यही फॉर्मेट है। अब आई डोंट नो बाद में जब हमारे पास मेन, जब 16 टीम आ जाएंगी मतलब सारी टीमें जो 8 इनवाइटेड हैं, जो अभी 8 क्वालिफाई होंगी दो क्वालिफायर से, आई थिंक उसके बाद जो 16 टीम्स में होगा उसमें तो आई थिंक हम लोगों को क्लाइंट में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मोस्ट लाइकली उसमें हम लोगों को फीड दे दी जाएगी, उसी के थ्रू होगा। तो अभी तो भाई क्लाइंट मतलब भाई एक्सेप्ट ही सॉरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। सो नहीं हो पाएंगे भाई लोटस गेमिंग, अगर तुम बोल रहे हो। समझ गया था मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट चांसेस कम ही है कि एक्सेप्ट हो पाएंगे। मैं इसीलिए पहले मेरा प्लान भी नहीं था स्ट्रीम करने का, मुझे पता ही भाई कोई इतना टॉप क्लाइंट में कोई कांटेक्ट है नहीं मेरा। ज़्यादातर क्लाइंट यही होता है भाई, अपने बेसिस ट्राई करते हैं कि बढ़ना हो। सो अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो पहले तो मेरा प्लान भी नहीं था स्ट्रीम करने का। बट लकली राइट नाउ हम जिस क्लाइंट में आए, उस क्लाइंट के एक बंदे ने खुद से भाई मैसेज किया था कि अगर स्ट्रीम करना हो तो। सो वाई नॉट, वैसे लेक्स ले लेगा, लेट्स ट्राई। तुम हमारा कटवाओगे और कुछ नहीं। छोड़ो ना, अभी इनके क्लैन में नेक्स्ट मैच इनका स्ट्रीम करते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। लोटस गेमिंग वैसे अगेन में कौन है, मेरे को आइडिया नहीं भाई। लेट्स सी, अबे मेरी बैटरी कम हो गई क्या? ओ 5%, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। अबे चार्जर कहाँ है मेरा?
माय बैड। एक तो मेरा चार्जिंग पॉइंट भाई टेबल के नीचे है, मेरा सिर भिड़ा कस के। ओके हियर वी गो, परफेक्ट। मेरा नाम देना ले लेगा मतलब तुम तुरंत हमें रिजेक्ट कराना चाहते हो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। कनेक्शन लॉस्ट, ये क्या हुआ? व्हाट? अबे वाईफाई को क्या दिक्कत हो गई भाई? कुछ भी, इम्युलेटर पे बैन लगेगा तुमको। कौन सा इम्युलेटर भाई, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? इम्युलेटर नहीं यूज़ करता भाई, वो तो मेरे को पता भाई उसके थ्रू नहीं कर सकते हो तो आई मीन, अगर तुम मिररिंग पूछ रहे हो तो वो मैं बता सकता हूँ कैसे करते हो, बट आई डोंट नो भाई क्या मतलब तुम क्या सेंस में बोलना चाह रहे थे। हाँ मैं क्या कर रहा था, हाँ ब्रैकेट देखना था एक सेकंड को, बैटरी कम की वजह से मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। राउंड 3 लोटस गेमिंग, लेट्स सी दिखा रहा है इनका या नहीं। हाँ दिखा तो रहा था आई थिंक, आई डोंट नो इनके अपोनेंट में कौन था। एंड EM e-sports करके कोई क्लाइन है इनके अपोनेंट में, देखते हैं। वैसे यार रैंडम जाने कोई फ़ायदा है नहीं, वैसे मैंने 2 ID डाली हैं, अगर चाहें तो उनके मैं रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं मैं PC पे नहीं खेल रहा हूँ भाई, मेरा है टैब पे ही, अगर तुमको जानना है तो। इस समय राइट नाउ मैं आई थिंक विंडोज़ का कौन सा वो मेरा कास्ट टाइप होता है, पता नहीं क्या होता है, उसके थ्रू मिररिंग है एंड देन OBS पे स्ट्रीम कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे पास वो भी है, क्या नाम है उसका सॉफ्टवेयर का, AS सर्वर भी है, बट उसमें क्वालिटी बड़ी लो आती है, पता नहीं क्यों, अब पता नहीं मेरे से नहीं हो पाता या क्या इशू है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, बट साला मेरे में उसमें पता नहीं 480p देता है या कितना देता है भाई, लो क्वालिटी देता है बहुत, तो समझ में नहीं आता भाई इसको कैसे रन करें वो फिर भी सही भाई, $15 है, वन टाइम पेमेंट करो। ओके वॉर हमारी सर्च होती भी, सो हियर वी गो। इम्युलेटर वैसे मैंने आज तक कभी रन भी नहीं किया, पता नहीं आई मीन लोगों को क्या मज़ा आता है, अभी ये अलग बात है, लोगों के बहुत सारे अकाउंट हों तो समझ में आता है कि चलो, बट PC पे भाई खेल मतलब माउस से तुम चला के क्या कर लोगे भाई, मेरे को समझ नहीं आता, जो चीज़ टच के लिए बिल्ट है उसको तुम जो भी भाई लोगों को जो अच्छा लगे। देखा है मैंने बहुत से लोगों को खेलते हुए, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। इसका तो कोई आई थिंक सॉफ्टवेयर भी आता था, अब तो मेरे को नाम नहीं याद है, आई थिंक ग्रीन कलर का लोगो होता था, हाँ आई थिंक ब्लू स्टैक बोलते थे ना, क्या नाम था, आई थिंक ये पॉपुलर था बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए, कभी ट्राई नहीं किया भाई, बड़ा पंगा है। अब मेरे को समझ नहीं आता भाई नीड क्या है तुम्हारे, अब तो अकाउंट स्विच करना इतना इजी है, अगर 2-3 डिवाइस है तो तुम साथ में भी खेल सकते हो, एक डिवाइस में एक अकाउंट ओपन रखो, दूसरे में दूसरा कौन भाई उसके लिए PC लेके बैठे, अलग से भाई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती उधर। सो हमारे अपोनेंट में है गुड रीजन, ओके भाई नाम बड़े अजीब अजीब है, नंबर 1 इसको मैं क्या पढ़ूँ, बिरवार बिरवारी पता नहीं भाई, एंड देन हमारे पास RO आई डोंट नो भाई, एंड MNZX भाई अजीब अजीब नाम है, इस साथ तो खेल रहा है भाई ये सही बंदा है। अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो ये क्वीन वॉकर वाले बंदा है ना आई थिंक, देखते हैं वैसे से बंदा कौन सी आर्मी यूज़ कर रहा है, मेरे को तो आइडिया भी नहीं। ओके ये कौन सी आर्मी भाई, डोनेशन के लिए है या क्वीन चार्ज तो है नहीं ना, नहीं
बड़े रैंडम आर्मी है भाई। स्पेल क्या है बंदे के, कहाँ गया? अर्थक्वेक एंड भाई साहब पता नहीं भाई ये क्या आर्मी है, सब कुछ ये है बंदे के पास। आई थिंक डोनेशन आर्मी लग रही है भाई ये तो, कोई मेन आर्मी तो मेरे को नहीं समझ में आई, क्या ही बोलूँ मैं उसको। बट वॉर अच्छी हो गया आई थिंक, अपोनेंट क्लैन भी अच्छा है, हमारा क्लैन भी अच्छा है, सो लेट्स सी। बाकी के कल जो हमारे पास होंगे, कल भी 3 राउंड है, सेम टाइमिंग होगी कल के राउंड की भी, सो देखते हैं अगर कल किसी क्लैन में हमें एक्सेस मिले तो ट्राई करेंगे स्ट्रीम करने का, बट अगर पहले से कंफर्म नहीं होगा तो फिर नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि होता वही भाई, क्लैन एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें कुछ पता नहीं। अगर कोई अभी ज्वाइन कर रहा है तो मैं इतना बोल देता हूँ कि फर्स्ट वॉर हमारी, फर्स्ट वॉर बोला सॉरी, बेसिकली 30 मिनट की वॉर है एंड फर्स्ट दो हिट जो होंगे दोनों टीमों की तरफ से, उन दोनों को 15 मिनट के पहले लेने हैं। सो टाइमिंग कोई इशू नहीं है, मतलब कभी भी वैसे आई मीन टाइमली हिट नहीं है। सो 15 मिनट में दो दो हिट दोनों टीमों की तरफ से, बाकी के हिट तुम्हें जब लेना हो वो 15 कंपलसरी है, 15 मिनट के अंदर 2 हिट कंपलसरी है, बाकी तुम 15 मिनट के अंदर अपने 5 हिट कंप्लीट कर दो वो तुम्हारी मर्जी है। बट ये है कि फर्स्ट 15 मिनट में तुम्हें अपने 2 हिट कंप्लीट करने हैं हर हाल में। लेग्स में चलो कर लेगा, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट तो डालो, अब तो स्ट्रीम कर रहे हैं, कल ट्राई कर लेंगे, अब तो स्ट्रीम कर रहे हैं भाई छोड़ो। अच्छा नहीं लगता भाई क्लाइन में भाई। लेग्स ऐसे कोई मैच स्ट्रीम आई मीन कोई बंदा स्ट्रीम कर नहीं रहेगा अब, ऐसे बेस कौन देगा भाई बर्न करने को, नहीं करते भाई। बाय द वे लेक्सनॉस का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि मतलब कौन, ये कौन सी टीमें हमें एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, ये मतलब बेसिकली क्लाइंट डिसाइड करेगा या क्या, क्योंकि वो भी ये स्ट्रीमर तो है, तो इसमें उसने चैट में ही डाला था। भाई ये सबके दिमाग में था भाई कि हम एक्सेप्ट ही नहीं होंगे, ज़्यादा चांसेस है। हाँ उसने यही डाला था, क्लाइन कैन डिनाई स्ट्रीमर्स ऑन बोथ डेज और जस्ट डे वन, तो मतलब उसको क्वेश्चन नहीं था कि दोनों दिन हम रिजेक्ट हो जाएंगे या डे वन में था, बट जो भी है क्या ही कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन कप के रूल्स एंड हियर वी गो। हमारी वॉर एटलीस्ट स्टार्ट होते हुए बैटल डे में आते हुए हम ओवरले में, और कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? एक तो मेरे पास कोई डिफॉल्ट ओवरले टेम्पलेट है नहीं, सो मेरे को जो मिला भाई मैंने उसमें बना दिया। बैकग्राउंड जरूर उन्होंने प्रोवाइड किया था जो ग्रे कलर का, जो भी है एक ही ग्रे कलर का दिया था, एंड एक आई थिंक जो सीओसी का एक बैकग्राउंड है ग्रीन कलर में जो आता है आई थिंक, एक वो दिया था। बाकी दो उनके लोगों हैं, एक तो आई थिंक वार्म अप का है, एक क्वालिफायर वन का है, क्वालिफायर टू का भी है मेरे पास, वो जब होगा तो देखते हैं। बट बाकी मेरे को भाई कोई आइडिया नहीं था क्या क्या ऐड कर सकते हैं, मेरे पास स्टैट्स के लिए कोई बॉट वाला सिस्टम तो है नहीं कि दोनों
क्लाइंट के टैग डालो एंड स्कोर अपडेट होने लगे। वैसे किसी स्ट्रीमर से बात करो तो हो ना तो जाइए यार, आई मीन जो ऑफिशियल स्ट्रीमर नहीं उनके अलावा। ये बहुत से लोग भाई ये चीज़ यूज़ तो करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता भाई कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि स्कोर वाली चीज़ बहुत सही रहती है भाई, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे अपने आप। ओके आई गेस भाई अब की बार कोई ईडी या हाइड्रा वाला बंदा नहीं है, 3-4 मिनट तो हो गए। पिछली बार में तो बंदे हाइड्रा वाले बंदे 3 मिनट में कूद पड़े थे भाई अटैक के लिए। अब की बार दोनों टीमें होल्ड पे हैं। ब्ला 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 ब्ला। वैसे यूट्यूब स्टूडियो अब सही है भाई, मेरे को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी इसमें। वैसे चेंज कहाँ कर सकते हैं मेरे को तो पता नहीं। छोड़ो बाद में देखते हैं। ऑडियो बिटरेट 128, लेट्स गो, अप्लाई, ओके परफेक्ट। फेक इस्तादरा। अच्छा फेक है, ओके मुझे लगा था कि कोई नौकर वाला बंदा है। क्या यार हम बंदे की आरपी आर्मी सब कुछ चेक कर लिया है, हमको लगा बड़े दिनों बाद बंदा दिखा है। वैसे नाम तो बंदे का सेम है एस, अगर हम मुझे याद भी है सादा में एस उसका बंदे का स्मॉल ही होता था, यहाँ पे भी एस बंदे का स्मॉल ही है। सो एक सेकंड के लिए तो मुझे भी डाउट हुआ था, मैंने तो बहुत टाइम से नहीं देखा। आई डोंट नो भाई इसमें किस टीम में खेलता है या खेलता भी है या नहीं। मस्त बंदा था भाई पहले यूट्यूब पे, नहीं खूब भाई आई थिंक इस समय जब एक्टिव था बंदा, जब नौकरी की लाइनअप में था तो कुकिंग कुकिंग वाली अपनी स्ट्रीम करता था भाई, बढ़िया बंदा था। जो भी है आई डोंट नो उतना एक्टिव नहीं था सीओसी में या कोई नौकर की लाइनअप को, कुछ अलग चीज़ें चाहिए थी। फर्स्ट हिट था उनका हमेशा जब पैका स्मैश पॉपुलर था।
हाँ नेम है सब कुछ, असली सादा यारी का मैं खेल रहा है। अच्छा मतलब एक्टिव है, मेरे को आइडिया नहीं है, एक मिनट देखने दो ये कौन सा क्लाइंट जो तुम बोल रहे हो। अपोनेंट आई थिंक इनको देखा था मैंने राउंड 3 में कहीं ना कहीं। या निकल लिए, हाँ है तो, है तो यारी का मिल गया। इनके अगेंस्ट एंट्रोपिक गेमिंग, क्लाइंट पे नहीं क्लिक कर सकते यार, नहीं तो प्लेयर दिख जाते मेरे को। चलो जो भी है, केवल ब्रैकेट में टीम ही दिखाता है, मतलब ब्रैकेट में केवल ब्रैकेट, जैसे उसमें होता है रस्ट में अगर देखो तो ब्रैकेट के साथ साथ जो टीम पे तुम क्लिक करो तो उनका पूरा रोस्टर एंड उनके हर एक प्लेयर का टैग सब दिखा देता है भाई। वो भाई बहुत सही चीज़ होती है, बट आई गेस यहाँ इतने फीचर नहीं दिए भाई इन्होंने, बट ठीक है ब्रैकेट भी अच्छा है भाई, सिस्टमेटिक है कम से कम। हाँ यारी का मैं एक्टिव है। ओके ओके देखते हैं क्वालिफाई करते हैं नहीं ट्रॉफी गेमिंग के अगेंस्ट। सर्च करके देखो यारी का, देखा देखा बट उनका वो नहीं देख सकते ब्रैकेट, मतलब आई मीन ब्रैकेट के बाद उस टीम में कौन कौन से प्लेयर है वो नहीं देख सकता मैं। केवल ब्रैकेट दिखा रहा है मेरे को। एक सेकेंड में म्यूट कर रहा हूँ। ऑलराइट बैक, देख सकते हैं टच करके, क्या मतलब मेरे को तो नहीं दिखा रहा भाई, मैं पीसी पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ ओपन नहीं करता है मेरे को। होल्ड ऑन राउंड 3। अरे यार हिट लाइव हो रहा है, चलो इसको देखते हैं फिर, देखते हैं एक बार। क्या फ़ोन पे इशू है क्या, मैं क्योंकि मेरे को पीसी पे तो नहीं दिखा रहा भाई, क्लिक करें क्या? नहीं कोई क्लिक का ऑप्शन ही नहीं भाई। ये तो तुमने ब्रैकेट से ही देख रहे हो या कहीं और से देख रहे हो? ब्रैकेट में तो ये मेरे को पीसी पे तो कोई टच करने पे कुछ नहीं ओपन कर रहा। ओके सो गुड रीजन की तरफ से फर्स्ट हिट आता हुआ, आई थिंक सुपर आर्चर क्लोन एंड लालो है, सो लेट्स सी क्या है भाई सीसी मेरे पास। सुपर आर्चर, ये सुपर आर्चर ही है, क्लोन यूज़ करते हुए सेकेंड इनवेस आता हुआ। सो वैल्यू वाइज अगर देखें तो आई थिंक सीसी स्केटर शॉट डाउन होता हुआ एंड मे बी इन्फर्नो एंड टाउन हॉल, लेट्स सी। इन्फर्नो डाउन होता, ओ भाई बंदे को ईगल मिल गई। ये सही वैल्यू थी भाई, बहुत अच्छी वैल्यू थी, ईगल भी डाउन होती हुई एंड मल्टी इन्फर्नो, नहीं मल्टी इन्फर्नो डाउन नहीं होता वो, बट काफ़ी सही वैल्यू है ईगल भाई, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था बट ओपी सुपर आर्चर। स्प्लिट स्क्रीन करके स्ट्रीम देख रहा हूँ एंड असाइनमेंट भी लिख रहा हूँ। ये सही है भाई, हमारे तो अभी आई थिंक एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे 15th, सो लेट्स सी भाई। 15 है पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब टेंटेटिव डेट थी, कंफर्म नहीं थे बट देखते हैं कब से। ऑल राइट सो अटैक फोकस करते हैं। किंग क्वीन आरसीएमआई ड्रॉप कर दी जा चुकी है मल्टी इन्फर्नो क्राउन एंड वैल्यू वाइज अगर देखें तो डिफेंडिंग क्वीन एंड आई थिंक सेकेंड मल्टी भी बंदे को मिल जाना चाहिए एंड हो सकता है हमारी आरसी स्केटर शॉट तक चली जाए, सो लेट्स सी भाई कितनी वैल्यू मिलती है। बाकी हमारा लालो आता हुआ मोनोलिथ की तरफ से बेसिकली 2 एंड 3 o'clock के बीच में, पर हमारे पास कोई भी स्पेल नहीं है, सो अगर यहाँ पे काफ़ी सारी रेड माइन ट्रिगर हुई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बंदे को। आरसी हमारी डाउन होते हुए, ओके मे बी एक बिल्डिंग और मिल जाए डिगी की वजह से, स्टन इफेक्ट मे बी। यप आरसी एक वैल्यू एक बिल्डिंग और दिलाती है बट पॉइजन टावर की वजह से हमारा लूंस काफ़ी लो एचपी हैं एंड लगभग लगभग डाउन होते दिख रहा है। क्वीन अकेले एक ई टाइटन जरूर है हमारे पास राइट साइड में, बट टाइम आई थिंक थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि डिफेंडिंग किंग भी है, तो क्वीन मोस्ट लाइकली आई थिंक उस पर लॉक होगी। एक हेडेंटर है हमारे पास बट आई डोंट नो भाई 33 सेकेंड इनफ होंगे या नहीं, लेट्स सी क्लोज जाएगा हमारा। ई टाइटन डाउन होता है वो, सो आई थिंक अब टाइम फेल हो जाएगा भाई, राइट साइड में बस कुछ भी नहीं बचा।
क्वीन जितना भी क्लियर कर ले 23 सेकंड में तो नहीं कर पाएगी। वॉल ब्रेक भी भाई कहाँ जा रहा है। रिप, नाइस ट्राई, वैल्यू जरूर काफ़ी अच्छी मिली थी भाई सुपर आर्चर के बाद, बट लालो हमारा इतनी देर सर्वाइव नहीं कर पाया। सो ये हिट 92 93 में भी 94 होगा क्या, मे बी क्वीन, नो 93 पे फिनिश होता हुआ, रिसेंट परसेंटेज। लेट्स सी एस सी ट्रेस्ट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। से 15 मिनट उनको दोनों हिट लेने दे, सो आई थिंक 1 या 2 मिनट भाई लगभग लगभग सब पे हिट आने चालू हो जाएंगे। हेयर वी गो, इनविंसिबल एलजी की तरफ से फर्स्ट हिट आता है वो एस सी टेस्ट के लिए, एंड स्केली डोनट आई थिंक एंड स्निकी टाउन हॉल के लिए। हेयर वी गो, ईगल एंड सी सी टारगेट करते हुए, लेट्स सी बाद में मल्टी, आई थिंक मल्टी तो नहीं होगा, सो ईगल एंड सी सी ट्राई किया जाएगा। कम ऑन, हियर वी गो, ईगल डाउन होती हुई सी सी, ओके सी सी भी डाउन होता है, 1 सेकंड के लिए लगा भाई हमारे पास इन्वेस्ट खत्म होने वाला है, बट बंदे ने काफ़ी सही पेशेंस के साथ टाउन डाउन, सॉरी सी सी डाउन कर लिया है। नेक्स्ट हम स्नीकी से टाउन के लिए ट्राई करते हुए, स्केली ट्रिगर होते हुए टेस्ला फॉर्म, आई थिंक जाइंट बॉम्ब की तो लोकेशन बची नहीं हुई, नॉर्मल बॉम्ब जरूर हो सकता है अभी भी, बट लेट्स सी। बाकी किंग हमारा सुई होता हुआ डिफेंडिंग आरसी कंपार्टमेंट में, मोनोलिथ के लिए बंदे ने टेस्टिंग कर ही ली थी, सॉरी मोनोलिथ बोल रहा, फ्रेम फिंगर के लिए टेस्टिंग कर ही ली थी, एंड 6 o'clock की तरफ से हमारी फ्लैफिंगर ड्रॉप हो चुकी है। ये क्या था भाई, इनविज हमने ड्रॉप किया या इनविज टावर था यहाँ पे, ओ नहीं अच्छा टावर ही था, सो उसको बंदे ने आई थिंक एक्टिवेट कराया। देर हमारे पास बाकी सारे स्निकी आते हुए, परफेक्ट इनविजिबिलिटी, सो टाउन वाल हमारा हो जाएगा क्लियर। किंग हमारा स्केटर शॉट डाउन कर चुका है, डिफेंडिंग आर सी ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, क्वीन एबिलिटी हमारी फोर्स होती हुई, लेट्स सी और कितनी वैल्यू मिल पाती है। वॉल ब्रेक हमारे पास नहीं और तो नहीं है, सो मल्टी इन्फर्नो तो नहीं मिलने वाला, एंड क्वीन हमारी डाउन होती हुई, सो लेट्स सी। अब हमारा लालो एंड आरसी, ओ नहीं लालो है भी नहीं, सॉरी ड्रैगन राइडर है, सो ड्रैगन राइडर एंड आरसी हमारी फर्दर कितनी वैल्यू दिला पाते हैं। इसके लिए कुछ है हमारे पास, बारबेडियन था बट बंदे ने यूज़ किया नहीं, सो जी जी मोनोलिथ हमारी, सॉरी फ्लेम फिंगर ओपन हो जाएगी, एंड ड्रैगन राइडर हमारे पास आते हुए डिफेंडिंग क्वीन कंपार्टमेंट से, अर्ली वॉर्डनेबिलिटी आरसी भी सेम कंपार्टमेंट से ही ड्रॉप की गई है। लेट्स सी, थोड़ा सा स्प्लिट होते हैं हमारे ट्रूप हर एक एंगल पे जाते हुए, मोनोलिथ पे फ्रीज ड्रॉप किया है, कोर में हमारे पास एक ही ड्रैगन राइडर है भाई, मोनोलिथ बहुत डैमेज देने वाली है आई थिंक बंदे को। यप, 2 ड्रैगन राइडर हमारे ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, इवन हमारी आरसी डाउन है बची है, नहीं आरसी गई भाई फिर तो फेल है, अब तो नहीं होगा, एक हील जरूर है, एक फ्रीज है, सो देखते हैं कितना परसेंटेज हम कलेक्ट कर पाते हैं, बट मोनोलिथ एंड टेस्ला फार्म तो नहीं क्लियर कर पाएंगे। लेट्स सी बाकी जो हमारे अटैक लाइव हैं, मिरकोरो एंड वंस अगेन क्वीन चाय लालो, आई थिंक बंदे क्वीन चाय लालो फेवरेट आर्मी है लास्ट, बाय द वे ये वाला बेस तो काफ़ी ओल्ड है, लेट्स सी ट्रिपल आता है नहीं, आई मीन इस पे तो बंदे ने कई बार हिट लिया होगा, लेजेंडरी में पुश करता है तो, बट लेट्स सी भाई कैसा हिट जाता है। सो अर्ली ब्लिम ड्रॉप हुई थी आई थिंक सिंगल इन्फर्नो कंपार्टमेंट के लिए, बाकी क्वीन के लिए आई थिंक थोड़ा सा फनल सेट करते हुए देखते हैं क्वीन हमारी कहाँ पे जाती है, बिल्डर हट पे भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते भाई, गोल्ड स्टोरेज के बाद कहाँ पे जाएगी, अगर एक्सपो कंपार्टमेंट में जाए तो आई थिंक सही भी है क्योंकि बंदे का प्लान वही होना चाहिए, बट लेट्स सी। ईगल जरूर हमारी काफ़ी अर्ली एक्टिवेट होती हुई, किंग हम फाइनली ड्रॉप करते हुए, एंड क्वीन हमारी खैर एक्सपो पर ही आती हुई, सो अच्छी न्यूज़ है। ऑलराइट ऑलराइट, क्वीन फोर की तरफ जाओ, सो वैल्यू वाइज अगर देखें तो हमारे पास स्केटर शॉट है, ईगल है उस एरिया में, एंड इवेंचुअली आई थिंक डिफेंडिंग क्वीन भी हो जाएगी, उसके बाद मेन वैल्यू टाउन ऑन, सो लेट्स सी क्वीन हम कितनी देर बचा पाते हैं, सर्वाइव करा पाते हैं। आरसी में ड्रॉप होती हुई किंग के सपोर्ट के साथ ही, इवन एक स्केली भी ड्रॉप किया गया था ताकि हमारा स्केटर शॉट का ज़्यादा डैमेज नहीं है उस एरिया में। हेड एंटर बंदे की क्या परफेक्ट टाइमिंग थी भाई, जैसे हमारी क्वीन लॉक हुई तुरंत हेड एंटर भी हमारा आता हुआ, सो एक्सीलेंट भाई।
एंड्रे को आरसीसी हमारे पास अभी भी है, सो आई थिंक हमें स्कैटर शॉट भी मिल जाना चाहिए। लेट्स सी। ओके इन्वेस्ट टावर एक्टिवेट होता हुआ, बट क्वीन ओके हीलर आई थिंक हमारी रेंज में है, नहीं है और नहीं अभी टाउनर एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक ट्रीज आई थिंक हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने हीलर को बचाने के लिए मे बी। ओके इन्वेस्ट ड्रॉप करते हुए ये भी सही है। आर सी सील्ड हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं भाई, बेस में ऐसे ज़्यादा कुछ बचा नहीं हमारे पास अभी भी, कोई वार्डन बचा हुआ है। सो लालो को सपोर्ट भी है एंड आई थिंक ट्रिपल आना चाहिए। 45 सेकंड बचे हुए हैं, टाइम डिसेंट है। लेट्स सी क्वीन हमारी अभी बची हुई है, रेज यूज़ करेंगे या नहीं। ओके क्वीन को डाउन हो जाने दिया, रेज हमने लालो के लिए यूज़ किया है एंड लेट्स सी। परफेक्ट वार्डन बिल्टी, डिफेंडिंग किंग भी हमारा डाउन होता हुआ है। इन्वेस्ट टावर को फ्रीज करते हुए ताकि हमारा दोबारा से एक्टिवेट ना हो, अदरवाइज हमारे लून्स मल्टीप्लानों की तरफ नहीं जाते। रेड माइन भाई, लून्स हमारे ख़त्म हो गए, वार्डन हमारा बचा हुआ है, बट प्रॉब्लम ये कि एयर डिफेंस बचा हुआ है। अगर एयर डिफेंस डाउन हो जाता तब तो फिर भी हो जाता, नहीं हो गया यार, रिप। 91% एंड आई थिंक परसेंटेज उतना अच्छा तो नहीं गया जितना कोड रीजन का आई थिंक फर्स्ट एड गया था। सो 91 एंड 84 इनके रहे 93। ओह 69, दैट्स गुड भाई, यही चाहिए था, यही चाहिए था। सो परसेंटेज हमारे पास लीड है ना, 35 to 32.4। देख लेते हैं इसमें से क्या गलत हुआ बंदे का। सुपर आवश्यक लो नहीं, टाइटन टावर नहीं मिला क्या बंदे को? नहीं टावर तो मिल गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, बट बड़ा वियर्ड एंगल था भाई सुपर आर्चर के लिए। वहाँ से तो हमें मतलब टाउनर के अलावा और तो कुछ खास वैल्यू मिलनी नहीं थी, इससे अच्छा तो हम बैक एंड से ड्रॉप करते तो फिर भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। बट जो भी है भाई, आई थिंक उसके बाद हमारे पास ई टाइटन के लिए ज़्यादा स्पेल सपोर्ट बचा ही नहीं था। बट दो अटैक होने के बाद हमारे पास परसेंटेज की लीड है, और ये होता है भाई कांटे वाला मुकाबला। Here we go. क्रू डिजन की तरफ से नेक्स्ट हिट लाइव होता हुआ, ए आर ओ ओ पता नहीं क्या नाम भाई। एंड ओके सो क्लोन आई थिंक सुपर आर से ही होनी चाहिए मुझे लग रहा है। ब्लिंप आती हुई टाउन हॉल कंपार्टमेंट के लिए, लेट्स सी। ओके सुपर आर सर टाउन हॉल कंपार्टमेंट में तो बंदे ने ड्रॉप ही नहीं की, बट वॉल ब्रेक थे हमारे पास तो सब टाउन हॉल कंपार्टमेंट ओपन होता हुआ। टाउनल तो खैर टारगेट कर सकते हैं, लेट्स सी कितनी वैल्यू मिलती है। ई टाइटन भी वैसे रेंज में उसी में है, सो नहीं टाइटन डाउन होता हुआ। सो डिफेंडिंग सीसी क्लियर हो चुका है, मेरे पास एक इन्वेज और बचा हुआ है। टाउनल मिलेगा नहीं मिलेगा? ओके टाउनल डाउन होता हुआ, टाउनल के अलावा मेरे पास स्केटर शॉट मिला, हमने सीसी क्लियर किया एंड एक मल्टी एक्सपो एंड मे बी सेकेंड एक्सपो भी डाउन हो जाए। लेट्स सी कम ऑन। हाँ नहीं टारगेट ही नहीं कर रहे हैं अब सुपर आर्चर हमारी, बट फिर भी यार काफ़ी अच्छी वैल्यू है। इवन हमारा वार्डन भाई सिंगल इन्फर्नो को भी डैमेज देने में लगा हुआ था एंड सुई हमारा आता हुआ एक इसके शॉट वाले एरिया से जहाँ पे हमें बस बेसिकली ईगल भी है। लेट्स सी लेट्स सी। ओ भाई आर सी तो लगभग लगभग ख़त्म ही हो गई मोनलिथ की वजह से, बची है डाउन हो गई, नहीं आर सी गई। इवन हमारी किंग एबिलिटी भी यूज़ होती हुई ईगल डाउन करते हुए, वार्डन ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। सो देखते हैं वहाँ लालू कितना अच्छा आता है, हमारे पास टूंस 14 नूनी है भाई, बेस में काफ़ी कुछ बचा हुआ है। इवन हमारी क्वीन पता नहीं कहाँ भाई आउटसाइड जा रही है, सो ये अटैक तो स्ट्रगल करता हुआ। डिफेंडिंग क्वीन डाउन हुई नहीं, हमारे पास कोई हेड एंटर बचा नहीं है, सो आई थिंक हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई, फेल ही होने वाला है। सो इसको क्विट करते हैं, नेक्स्ट किसी लाइव इट पे आते हैं सहारा की तरफ से जो है। एंड स्टार्टिंग पार्ट हमने मिस कर दिया, बट आई थिंक वार्डन यूज़ नहीं हुआ है, सो आई थिंक ब्लिजार्ड होना चाहिए कि बंदे ने ज़्यादा स्पेल यूज़ किया नहीं, क्लोन है नहीं मेरे पास कोई, सो ब्लिजार्ड ही होगा। एंड लेट्स सी क्वीन हमारी आती हुई आई थिंक एक मल्टी इन्फर्नो की तरफ, सेकेंड मल्टी पे हम अपनी आर सी ड्रॉप कर सकते हैं, देखने क्या प्लान है बंदे का। आई साउंड के लिए बेसिकली एक पॉइजन ड्रॉप कर चुके हैं, मिनियन भी ड्रॉप है, इतना डैमेज तो ले सकते हैं हमारे पास अभी भी। यूनिकॉर्न है सो क्वीन पर ज़्यादा डैमेज है भी नहीं।
आइस कॉलम आता हुआ, डिफेंडिंग किंग भी हमारा आता हुआ, उसके लिए हमने एक हेडहंटर ड्रॉप किया। फ्रीज की जो थी क्या बोल सकते हो, किंग थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा देता है क्योंकि हमारा हेडहंटर बचा नहीं यार, मल्टी इन्फर्नो की रेंज में था वो। एंड क्वीन एबिलिटी हमारी काफ़ी अर्ली फोर्स होते हुए, आई डोंट नो बंदे को कितनी वैल्यू चाहिए थी, बट लेट्स सी। ग्राउंड एक्सपो आई थिंक ले जाएगा भाई, क्वीन तो हमारी डाउन होती हुई। ओह नो, सुपर वॉल ब्रेक बहुत अर्ली था, वॉल हमारी ओपन हो नहीं पाई, सो किंग हमारा इस समय स्केटर शॉट कंपार्टमेंट में भी नहीं जाएगा। लालो काफ़ी अर्ली आता हुआ, भाई वन किंग तो गया भी नहीं, कोर में भी नहीं गया कि कम से कम डिफेंडिंग क्वीन को ही थोड़ा बहुत डैमेज दे देता। स्केटर शॉट को फ्रीज करते हुए ताकि हमारे जो लूज गए हैं वो स्केटर शॉट डाउन कर लें। डिफेंडिंग क्वीन के लिए हेड एंटर आता हुआ, सो डिफेंडिंग क्वीन हमारी डाउन होती हुई। एंड आरसी फाइनली आती भाई सेकेंड मल्टी इन फ्रंट की तरफ से, पाथिंग तो अच्छी है। लेट्स सी लालो हमारा कितना स्मूथ जाता है, बट ये हमारे पास लूज थोड़े से कम लग रहा है, 5 लूज ही और हैं। ओके टाउन हॉल को फ्रीज करते हुए लास्ट फ्रीज हमारे पास, भाई टाउन हॉल निकालो अदरवाइज इन्विस एक्टिवेट हो जाएगा। अब नो इन्विस टावर एक्टिवेट होता हुआ लूज हमारे आगे जाते हुए, भाई बंदा लूज 3 ही बचे हैं, अच्छा नहीं वापस आते हुए रिस्की था भाई। अब नहीं टाउन हॉल अभी भी नहीं डाउन हुआ, कम ऑन लूज 3 लूज क्लच। वैसे एचपी कम है एंड बिल्डर हट भी नहीं है, सो रिपेयर होने के चांसेस तो नहीं है, बट लूंस हमारे आओ मैन भाई एचपी रिप भाई, 1-2 लून का डेथ डैमेज भी आई थिंक इतना डैमेज दे देता भाई, कुछ भी एचपी नहीं है, 1% एचपी बोलो इसको, बट 1 स्टार डिफेंस मिलता है। हमारे पास कोई फ्रीज बचा नहीं हुआ था इन्विस्ट टावर को और देर होल्ड करने के लिए, एंड अब हम लोग भाई खतरनाक सिचुएशन में आते हुए उनकी तरफ से एक और 2 स्टार हिट आया। अच्छा वो तो देख ही चुके थे जो फेल हम लोगों को लग ही रहा था। परसेंटेज है कि नहीं अपने पास, परसेंटेज भी नहीं है यार, परसेंटेज है बट भाई वो 1 स्टार एकदम 1 HP भाई टाउन हॉल बचा ले गया बंदे को, बट इस समय लीड हमारे पास गुड रीजन के हाथ में आती भी 1 स्टार की। अब इनको आई थिंक एक तो ट्रिपल चाहिए भाई, एक ट्रिपल चाहिए अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ऑल राइट क्वीन चार ड्रैगन ऑर्डर इस तरह की तरफ से आता हुआ, फेक इस तरह बोले और जो भी है लेट्स सी। सो ब्लिंप इज गॉट अ शॉट एंड डिफेंडिंग क्वीन वाले कंपार्टमेंट में रेज भी यूज किया गया है। ओ भाई मोनोलिथ बड़े वियर्ड एंगल पे है, आई मीन सिमेट्रिक बेस तो नहीं बोलेंगे इसको, बट लेट्स सी। एंड क्वीन चार्ज हमारे पास आ रहा है आई थिंक लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट से ही आएगा, सो टाउन हॉल की तरफ जाएगा क्वीन चार्ज। वॉल ब्रेक हमारे पास एक ही वॉल ब्रेक है, वॉल हमारी ओपन है क्या वैसे? ओके वॉल ओपन है, सो आई थिंक बंदा ट्राई करेगा फर्स्ट कंपार्टमेंट, वो नहीं अच्छा जंप है तब से मैं मिस कर रहा था भाई, सेकंड वॉल ब्रेक है हमारे पास अगर बंदे को टाउन कंपार्टमेंट की तरफ जाना है, मुझे भाई लगा सस्ता हिस्सा जो भी भाई जो भी है वैसे जंप की आई मीन जरूरत है क्या? एक वॉल ब्रेक से हमारा काम चल जाता, एक स्पेल आई मीन अगर बंदा सिंगल इन्फर्नो के लिए ट्राई करे तो समझ में भी आता है, देखते हैं जब कहाँ पे ड्रॉप करते हैं। अगर केवल टाउन हॉल कंपार्टमेंट कनेक्ट किया गया तो भाई जंप ओवर किल है। ओ भाई अच्छा टाउन हॉल हमने टारगेट ही नहीं किया, टाउन हॉल हमारा किंग से डाउन होगा एंड क्वीन को हम ट्राई करा रहे हैं सिंगल इन्फर्नो एंड मे बी इवेंचुअली मल्टी इन्फर्नो कंपार्टमेंट के लिए। सो तभी मेरे को लग रहा था भाई जंप इतनी ज़्यादा हैवी बंदे ने क्यों इस पहले इन्वेस्टमेंट किए। सिंगल इन्फर्नो को फ्रीज करना पड़ेगा, ओके परफेक्ट टाइमिंग भाई, थोड़ा सा और लेट होते तो हमारी क्वीन एबिलिटी फोर्स होने वाली थी वहाँ पे। रेज अभी तक तो खैर नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्वीन पे इतना हैवी डैमेज है नहीं, केवल आइस कॉलम ही है। सिंगल इन्फर्नो ओके फ्रीज और नहीं ड्रॉप किया हमने, लाला तो खैर स्टार्ट कर ही चुके हैं टॉप साइड से। फाइनली क्वीन हमारी जंप लेती हुई सिंगल इन्फर्नो कम ऑन, ओके सिंगल इन्फर्नो डाउन होता हुआ, क्वीन पे इतना हैवी डैमेज है नहीं, सो लेट्स सी। आर सी भी ड्रॉप की जा चुकी है, हेड एंटर हैं हमारे पास कि नहीं? 3 हेड एंटर तो हैं, देखते हैं कब आते हैं क्योंकि डिफेंडिंग किंग के लिए आई थिंक ड्रॉप करना पड़ेगा बंदे को। ओके एक हेड एंटर आता हुआ, क्वीन हमारी नेक्स्ट जाती हुई सही है, डिसेंट वैल्यू मिल रही है अभी भी। आर सी शील्ड यूज़ होते हुए एंड बाकी के दोनों हेड एंटर आई थिंक बंदे ने प्लान तो डिफेंडिंग आर सी के लिए किया होगा, बट भाई दोनों हेड एंटर हमारे स्प्रिंग में डाउन हो गए, सो आर सी अभी बची हुई है। क्वीन हमारी हो चुकी है डाउन एंड रिप
हमारी आरसीबी डाउन होती भी। अब नहीं बची भाई, मुझे लग रहा था कि हमारे पास कोई एबिलिटी तो फोर्स हो चुकी है, बट फेल नहीं आई थिंक। 34 सेकंड में तो नहीं होगा ना, हमारे पास कोई आर्मी है तो ए नहीं, दो ड्रैगनाइड वैसे बचे हुए थे। छोड़ो देखते हैं नेक्स्ट लाइव, देखते हैं वाटो भाई का। कम ऑन भाई, आई थिंक फर्स्ट ट्रिपल आता हुआ, यही यही चाहिए था भाई इनको जीतने के लिए। आरसी हमारे पास भाई, आरसी स्वैग करने के मूड में लग रहे हैं हम। नहीं, ड्रॉप करते हुए स्वैग वैग नहीं कर रहे भाई, क्योंकि मेरे को लग रहा था बंदा उसके विदाउट भी ट्रिपल कर सकता था। एक प्रीस हमारे पास किंग है, क्वीन एबिलिटी बची हुई है, बट कुछ भी स्वैग नहीं। हम लोग अपना टाइम बचा रहे हैं, टाइम एफिशिएंट, बट ठीक है, जरूर ट्रिपल आता हुआ। एंड आई थिंक इस अटैक के बाद हम लोग लीड में होंगे परसेंटेज के मामले में। स्टार में तो अभी भी बराबर होंगे कि हमारा एक वन स्टार हिट चला गया था, बट आई थिंक परसेंटेज में हमारे पास लीड होनी चाहिए, अनलेस हम लोग जो लास्ट हिट देख रहे थे वो ट्रिपल हो गया हो। एंड नहीं, उनका ट्रिपल नहीं हुआ, अभी मुझे लग रहा था फेल होगा। 85% पे हुआ, लाइट क्लोज हो गया था। सो हमारे पास राइट नाउ का देखे परसेंटेज में काफ़ी अच्छी लीड है, 71.2 हमारा है एंड 63.8 है। सो परसेंटेज के मामले में तो आई थिंक इनफ होगा लास्ट हिट में। अब बस ये है कि ट्रिपल ना है उनका, एंड अगर हमारी टीम की तरफ से ट्रिपल आता है तो मैच वहीं पे क्लोज हो जाएगा। कम ऑन एस सी टेस्टला, लास्ट हिट स्टार्डम लेते हुए, स्टार्डम क्या बोलूँ मैं इसको, बड़े रुको। एंड सुपर आर्चर क्लोन विद लालो, एक ही टाइटन है मोस्ट लाइकली, आई थिंक लावा हाउंड के लिए हो, या देखते हैं सुई में कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। ओके सो वो लावा हाउंड आता हुआ, कुछ लूंस आई थिंक थोड़े बहुत डिफेंस डाउन करने के लिए वार्डन एबिलिटी यूज़ करते हुए। अब देखते हैं भाई सुपर आर्चर से वैल्यू कितनी मिलती है, मेन चीज़ ये है कि पूरी है स्पेल की इन्वेस्टमेंट आई थिंक यहीं पे हो जाएगी। हमारे पास कोई फ्रीज है नहीं, कुछ भी नहीं है। नेडो ट्रिगर होता हुआ, डबल जाइंट बॉम्ब, कुछ बचा हमारे पास स्कोर में या नहीं? नहीं अभी भी हैं, सुपर आर्चर हैं। कम ऑन भाई, वैल्यू चाहिए। अरे ये लून को हटाओ भाई, डेथ डैमेज ना ले जाए, मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत डैमेज दे जाएगा लून का डेथ डैमेज। ओके टाउन डाउन करते हुए एक और रेज भाई, कम ऑन वैल्यू बहुत सही है। एक इन्फर्नो डाउन होता हुआ, सेकंड इन्फर्नो भी डाउन होता हुआ, आरसी एंड क्वीन डाउन हो चुकी है, लास्ट स्पेल है हमारे पास ये। कम ऑन, एक ही स्केटर शॉट मिला, सेकंड मिलेगा या नहीं? कम ऑन, ओ भाई लास्ट शॉट में हमारा सेकंड स्केटर शॉट भी डाउन हुआ, परफेक्ट भाई। अब डायलॉग मार सकते हैं, वेर इज द बेस भाई, खत्म है। अब तो बेलो से नहीं करना चाहिए, केवल एक ईगल ही बचा है हमारे पास हैवी डैमेज के लिए। स्प्लैश डैमेज के नाम पे हमारे पास केवल विजार टावर बचा है, एंड वो भी नहीं दो है, अच्छा चलो नहीं तीन है, सॉरी तीन विजार टावर है भाई। कम ऑन कम ऑन, आरसी आती थी ईगल के लिए। बस एक ही चीज़ है जो बचा सकती है, वो है टाइम। टाइम फेल नहीं हुआ तो आई थिंक बंदे का लालो तो भाई कहीं से भी फेंके ट्रिपल ही होगा। क्या खतरनाक वैल्यू थी भाई बंदे को, एक तो डिगी भी भाई मस्त चीज़ है, ईगल का कोई भी शॉट भी नहीं लेने दिया बंदे ने। ओपी डिगी, क्वीन एबिलिटी बची हुई है, ये ट्रिपल है भाई, कंफर्म ट्रिपल है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। 1 मिनट है इतने बेस में, तो हम कुछ भी करें तब भी भाई आराम से क्लीन होगा। सो एस सी टेस्ट वाला मैच जीतते हुआ एंड डे टू में क्वालिफाई करते हुए ये बंदे, क्योंकि आज हमारे पास तीन ही राउंड थे, नेक्स्ट राउंड हमारे तीनों होंगे वो डे टू में जाएंगे, क्योंकि इनके पास परसेंटेज में लीड ऑलरेडी थी। सो अब अगर लास्ट अटैक को डिसीजन का ट्रिपल आता भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जी जी भाई, जी जी इनको। परफेक्ट, एंड लास्ट अब डिफेंस नहीं दिखाते हैं, अननेसेसरी उनके बेस बर्न करने की जरूरत है नहीं। अगर उनको कल रन का वैसे तो आई थिंक ज़्यादा, ओ नहीं उनकी तरफ से 80 नहीं आया, ये क्या था, बंदों ने पहले देख लिया था ट्रिपल आ गया या क्या था भाई, अटैक नहीं है उनकी तरफ से। जो भी है ट्रिपल आता भी तब भी मैटर नहीं करता, हम लोग ऑलरेडी जीत चुके थे परसेंटेज के मामले में। सो 11-8 एस सी टेस्टला जीता हुआ एंड ये क्वालिफाई करते हुए डे 2 के लिए। सो हम भी चलते हैं ऑफलाइन एंड मिलते हैं कल, अगर कोई टीम स्ट्रीम करने दी तो, अदरवाइज देखते हैं जब मौका मिले। बट तब तक के लिए अभी तो खैर गुड नाइट भी नहीं बोल सकते, इस समय तो कितना टाइम हो रहा है, 5:30 में भी नहीं, 5:12 है। सो इवनिंग है, गुड इवनिंग ही बोलेंगे। राउंड 4+, चलो ब्रैकेट तो मैं बाद में देख लूँगा, बट मिलते हैं भाई नेक्स्ट स्ट्रीम पे, बाय बाय।